I will start share my presentation. Hope my screen is visible. Yes. Thank you. डिफरेंट टाइप ऑफ ई कंटेंट हम विजुअल रिसोर्सेज की बात करते हैं, उसमें वीडियोस भी आता है एंड द ग्राफिक रिसोर्सेज आर आल्सो कमिंग, और जो माइंड मैप यू ऑल आर टेलिंग दैट आर आल्सो काइंड ऑफ विजुअल रिसोर्सेज। तो अब विजुअल रिसोर्स की इम्पोर्टेंस हमें पता है कि कुछ भी चीज हमें विजुअली दिख रही है जो स्टूडेंट्स को उससे। दीप्ति मैम, आपने शायद स्लाइड शो ऑन किया होगा। नहीं, अभी नहीं किया। अच्छा, एक्चुअली सिर्फ अभी हेडिंग ही आ रहा है, इसीलिए मैं बता रही हूँ। हाँ हाँ, स्लाइड शो अभी ऑन नहीं किया मैम। ओके ओके, ठीक है। तो जो भी विजुअल रिसोर्सेज हैं उसका इम्पैक्ट और उसकी इम्पोर्टेंस हम एज अ टीचर्स वी ऑल नो द इम्पोर्टेंस। तो विजुअली जो भी चीज़ों बच्चों के सामने प्रेजेंट होती है दे आर एबल टू ग्रास्प इट मोर, और उसकी उससे उसको रिकॉल बहुत जल्दी होता है जो भी हमने उनको कॉन्सेप्ट को डिलीवर किया है उस विजुअल रिसोर्स के थ्रू। इन द ट्रेडिशनल क्लासरूम वी एंड इवन प्रेजेंटली आल्सो वी आर यूजिंग द चार्ट्स और द फ्लैश कार्ड, हम ये सब यूज कर रहे हैं, फ्लिप चार्ट्स। तो डिफरेंट टाइप ऑफ टीचिंग एड्स होते हैं इन द क्लासरूम। हाँ, उन चार्ट्स और उन सब विजुअल रिसोर्सेज को क्रिएट करने के लिए हमें डेफिनेटली एक एफर्ट चाहिए होता है ज़्यादा। इवन एज अ टीचर इन आर डेली प्रैक्टिस वी आर नॉट एबल टू क्रिएट ऑल द विजुअल रिसोर्सेज और स्पीडली कि हर बार हम एक चार्ट बनाएं, और अगर हम उसकी बात कर रहे हैं कि वेन वी क्रिएट द चार्ट तो उसकी जो हमारी ड्यूरेबिलिटी होती है वो भी कम हो जाती है कि हम उसको लॉन्गर टर्म्स के लिए रिटेन करके नहीं रख सकते हैं। देन आल्सो वी लुक फॉर द स्टूडेंट्स इन आर क्लासरूम कि कोई अच्छा स्टूडेंट है जिनका ड्रॉइंग पार्ट अच्छा है, जिसका इंटरेस्ट है कुछ क्रिएट करने पे विजुअल रिसोर्स, हम उस स्टूडेंट को ढूंढने की कोशिश करते हैं ना क्लासरूम, और उसके बाद हम उनको बोलते हैं कि आप ये बना के लाइएगा। तो एज अ टीचर एंड एज अ स्टूडेंट दोनों की एंड से थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो इतना जल्दी वो क्रिएट नहीं कर पाते हैं, टेक्स लॉट ऑफ टाइम। एंड इन द प्रेजेंट सिनेरियो वी ऑल नो डिजिटल रिसोर्सेज जो है उसकी इम्पोर्टेंस कितनी है और वो किस तरीके से हमें हेल्प करता है टू क्रिएट द थिंग्स मोर फास्टर एंड अ मोर इजियर वे। So similar type of e-content that is called a graphic e-content or graphic resources, वो हम create कर सकते हैं by using some tools. तो जो हम tools discuss करेंगे तीन या चार tools को हम कोशिश करेंगे cover करने के लिए, just a brief demo, और उसके बाद उससे हम ये वाले जो graphic resources है वो बहुत जल्दी create कर सकते हैं। All you need is a proper internet connection for using these tools. अगर हम बात कर रहे हैं व्हाट आर ग्राफिक रिसोर्सेज, तो ग्राफिक रिसोर्सेज आर द विजुअल प्रेजेंटेशन और कोई भी इमेज है जिसमें हम टेक्स्ट का कॉम्बिनेशन मिनिमम टेक्स्ट रखते हैं, कुछ इलस्ट्रेशंस या ड्राइंग्स बनाते हैं, मैप्स बनाते हैं, कुछ डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, वो सभी विजुअल रिसोर्सेज या ग्राफिक रिसोर्सेज की हम बात करें स्पेसिफिकली वो होगा। द चार्ट्स, मैप्स, डायग्राम, फोटोग्राफ्स, इमेजेस, ड्राइंग्स और द पेंटिंग्स, एंड यू ऑल क्रिएट दीज ग्राफिक रिसोर्सेज अभी डेली लाइफ में। Whenever you are clicking any photograph, तो आप अपने मोबाइल से फोटोग्राफ्स क्लिक करते हैं एंड उसको अपनी प्रेजेंटेशंस में भी डालते हैं। अभी जो पीपीटी की बात आपने करी तो वो भी एक ग्राफिक रिसोर्स ही बन रहा है, बट हम उसको और अच्छे तरीके से और कलरफुल तरीके से जो उसमें और उसकी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन उसमें ऐड हो जाए, उसके जो उसका जो इम्पैक्ट है वो बढ़ जाए, उस तरीके से हम उसको ग्राफिक रिसोर्सेज को और बना क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग दीज टूल्स, सम टूल्स आई विल बी शोइंग यू। सो इफ यू टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस, एज आई जस्ट डिस्कस इम्पोर्टेंस उसकी, एक तो जो पिक्चर्स होती हैं या इमेजेस होती हैं वो टेक्सचुअल कंटेंट से बहुत बेटर होता है। एंड नाउअडेज यू हैव सीन कि अभी कोई भी आप वेबसाइट ओपन करते हैं, कोई भी सोशल मीडिया की पोस्ट देखते हैं, इवन द न्यूज़ पेपर एडवर्टाइजमेंट यू सी, उसमें पिक्चर्स ही होती हैं। जो हम सिंपल लोगोज देख रहे हैं कहीं भी, कुछ साइन बोर्ड्स देख रहे हैं, कुछ भी डूज और डोंट्स के साइन देखते हैं, तो हमें क्लियरली पता लग जाता है कि व्हाट दैट पिक्चर इज सेइंग, उससे हमें वो मैसेज कन्वे हो जाता है। तो एवरीवेयर नियर आर सराउंडिंग व्हाइल वी आर ट्रैवलिंग, व्हाइल वी आर इन द क्लासरूम, व्हाइल वी आर रीडिंग एनी बुक, रीडिंग एनी न्यूज़पेपर, एनी इंफॉर्मेशन वी आर टेकिंग फ्रॉम समवेयर,
दैट इज प्रेजेंटेड इन द प्रेजेंट टाइम इन द पिक्चर्स फॉर्म. तो वो जो वर्ड्स या टेक्सचुअल कंटेंट है उसके कंपैरिजन में इट इज मोर इम्पैक्टफुल. उसके बाद वो पिक्चर को देखने के बाद द यूजर कैन एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट और द कंटेंट की व्हाट द पिक्चर इज अबाउट टू से. एंड इससे क्या होगा, कंसेप्चुअल जो डेवलपमेंट है वो एक्साइटिंग वे में होगी. सपोज इफ आई एम अ टीचर एंड आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस अ लेसन टू माई क्लास, और मैं सिर्फ उनको एक डिजिटल कोई एक फोटोग्राफ अगर शो करा, एंड आई विल आस्क माई स्टूडेंट्स आप इस फोटोग्राफ को देखकर क्या देख पा रहे हैं, क्या समझ पा रही है, कुछ क्या इससे इंफॉर्मेशन मिल रही है आपको. तो सपोज एक जंगल की इमेज मैंने दिखाई तो उसमें बहुत सारे एनिमल्स हैं, तो स्टूडेंट्स विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द एनिमल्स. कुछ प्लांट्स के टाइप्स को बताएंगे, कुछ बताएंगे कुछ टॉलर या स्मॉलर प्लांट्स हैं, कुछ कहेंगे कि कुछ एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करना शुरू कर देंगे कि हु इज द फास्ट रनिंग एनिमल. तो वो अपने आप ही उस इंफॉर्मेशन को उस पिक्चर के थ्रू लेकर और उसके रिस्पॉन्स करना शुरू कर देंगे. तो वो जो डेवलपमेंट होगी, जो कंसेप्चुअल डेवलपमेंट होगी, वो एक्साइटिंग वे में होगी और वो ज्यादा इंक्विजिटिव भी होंगे कि उसमें क्या शो किया हुआ है. और हर एक स्टूडेंट अपने आप से कुछ और रिस्पॉन्स करने की कोशिश करेगा जो कि दूसरे से लेकिन उसने ये बताया तो मैं कॉमन रिस्पॉन्स भी दूंगा, मैं कुछ डिफरेंट दूंगा. तो उसका थॉट प्रोसेस भी बहुत अच्छे से डेवलप होके वो उसको रिस्पॉन्स करेगा. तो कंसेप्चुअल डेवलपमेंट के लिए वो बहुत ही एक्साइटिंग वे है इफ यू आर प्रेजेंटिंग एनी ग्राफिक रिसोर्स. साथ साथ में जो भी कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन है जो आप बुक में पैराग्राफ या टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन होता है वो बहुत ईजीली कम्युनिकेट हो सकती है. एंड इफ यू वॉन्ट टू प्रेजेंट एनी डेटा, जो भी हम पैराग्राफ या बायोग्राफ्स बनाते हैं तो हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम लिखेंगे इतना परसेंटेज है, दिस इज हायर देन दिस, या कुछ भी टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन, उसको कोई रीड आउट करने में इंटरेस्ट नहीं होगा. अगर वो ग्राफिकल फॉर्म में प्रेजेंट होगी तो उससे ज्यादा से ज्यादा अच्छा डेटा रिप्रेजेंटेशन हो सकता है. उसके बाद इससे वैल्यूएबल कंटेक्स्ट उस इंफॉर्मेशन को मिलेगा. साथ में टाइम सेविंग रिसोर्सेज है बिकॉज वी आर क्रिएटिंग द डिजिटल रिसोर्सेज, डिजिटल ई कंटेंट. तो उससे क्या होगा, वो टाइम सेव हो गया. वंस दिस इज क्रिएटेड यू कैन यूज मल्टीपल टाइम्स एंड यू कैन मेक द चेंजेस एट योर कन्वीनियंस. लाइक उसमें कुछ भी अपडेशन हुआ है तो आपको चार्ट पेपर में दोबारा से ड्रॉ नहीं करना, आपको उसी में अपडेट करना है सिर्फ. एंड एवरीथिंग बाय क्रिएटिंग दीज टूल्स, जो भी ग्राफिक रिसोर्स आप क्रिएट करेंगे वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट सेव होता रहता है आप क्लाउड में, जिसको हम सर्वर बोलते हैं, क्लाउड सर्वर जो हम जैसे गूगल में बोलते हैं, क्लाउड पे सेव होगा. तो उससे आपका टाइम भी सेव हो जाएगा और वो इन्फॉर्मेशन आपको क्विकली मासेस के थ्रू जा सकती है. जैसे कि आप व्हाट्सएप के थ्रू शेयर करते हैं एनी काइंड ऑफ अ लिंक यू गेट, तो हर एक रिसोर्स का एक URL या एक लिंक आपको क्रिएट होके मिलेगा जिसको आप इजीली कहीं भी शेयर कर सकते हैं. तो वो मासेस तक बहुत इजीली पहुंच जाएगा, जैसे आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती है. तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंस ऑफ द ग्राफिक रिसोर्सेज विच यू क्रिएट. आई एम जस्ट शोइंग यू दिस टू एग्जाम्पल्स. ये इन्फोग्राफिक्स के दो एग्जाम्पल्स हैं और आपने ऐसे इन्फोग्राफिक्स बहुत बने हुए देखे होंगे. तो माइट पॉसिबल कि आपने टेक्निकल अभी तक नहीं पता होगा टर्म हम इसको क्या बोलते हैं. वी आर नेमिंग इट एज इन्फोग्राफिक्स, दैट मीन इन्फॉर्मेशन इन अ ग्राफिकल फॉर्म. सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू कैन सी हाउ टू वेयर अ नॉन मेडिकल फैब्रिक मास्क. सिर्फ सिंपल कुछ शॉर्ट इमेजेस या ऑब्जेक्ट्स या आइकन्स दिए हुए हैं और उसके नीचे टेक्स्ट गिवन है. तो इससे इंस्ट्रक्शंस क्लियरली गिवन है तो ये एक अट्रैक्ट रहेगा. अगर स्टूडेंट को टेक्स्ट याद नहीं है, कोई रूल याद नहीं है, तो वो इमेज को देख के याद रखेगा, उसको रिकॉल करना इजी होगा. एंड ऑन द राइट हैंड साइड यू कैन सी द डेटा रिप्रेजेंटेशन व्हिच इज फॉर विकिपीडिया एजुकेटर्स. तो विकिपीडिया का कितने कोर्सेज उसमें हैं या कितने एडिट हुए हैं, कितने व्यूज हुए हैं, कितने स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन हुआ है इन वेरियस ईयर. सो दीज टू are the images representing infographics. So infographics is basically, you can say, the graphic or the visual representation of information, data, or any kind of knowledge. And already educational jo use hai uska bhi discuss kiya hai. Again, once more I will repeat, data used as a visual aid, you can create the infographics and you can use it as a discussion starter to start the classroom. Start the topic, you can use the infographics, and if you want to summarize your lesson too, so you can give a task to your students
कि अब आपने क्या सीखा, आप उसको ग्राफिकल फॉर्म में प्रेजेंट करिए। तो जो टूल्स हैं ये आपके लिए भी बहुत ईजी है, स्टूडेंट्स को भी इसका ओपन एक्सेस है। तो दे कैन आल्सो क्रिएट अ गुड इंफोग्राफिक्स फॉर देयर पर्टिकुलर टॉपिक, जो भी उन्होंने सीखा क्लास में उसका एक इंफोग्राफिक वो खुद क्रिएट करके लाएंगे। एंड यू कैन गिव दिस ग्रुप टास्क टू द स्टूडेंट्स, आपने ग्रुप में डिवाइड किया अपने क्लास को एंड उसके बाद उनको बोला आप इस पर एक इंफोग्राफिक क्रिएट करिए। एंड ये जो इंफोग्राफिक क्रिएट होंगे ये ऐसा नहीं कि करिकुलम बेस्ड ही है, स्कूल में हम इतनी सारी एक्टिविटीज करते हैं, जो हम पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन कर रहे हैं या हम कोई भी इवेंट जैसे कोई डे स्पेशल डे बना रहे हैं, तो हम उसके लिए पोस्टर्स जो क्रिएट कराते हैं वो भी इंफोग्राफिक फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में वो क्रिएट हो सकते हैं। एंड द बेनिफिट ऑफ क्रिएटिंग दीज इंफोग्राफिक्स इन डिजिटल फॉर्म इज दैट कि इसको हम सिर्फ एक मेरे स्क्रीन जितने साइज का बन रहा है वो कंप्यूटर में जब मैं बना रही हूँ, बट आई कैन टेक अ प्रिंट आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर इंफोग्राफिक इन अ बिगर साइज टू। तो अगर आप कहें कि आप प्रिंट आउट निकाल के सिर्फ A4 साइज में निकालेंगे उतना ही होगा, अगर आपने अभी तक भी कभी भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के प्रिंट आउट निकाले हैं, तो जो भी कभी कभी आप इमेजेस को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में इंसर्ट करते हैं और जब उसको ज़्यादा जूम आउट कर देते हैं, बड़ा करते हैं, तो वो पिक्सेलेट हो जाती है। पिक्सेलेट मतलब वो फट जाती है इमेज और उसका प्रिंट आउट अच्छा नहीं निकलता। इन इंफोग्राफिक्स का एक ये भी यूज है कि इंफोग्राफिक्स को वेरियस साइज में आप निकाल सकते हैं प्रिंट आउट, तो ये पिक्सेलेट नहीं होंगे। तो उससे क्या है, आप A3 साइज में या थोड़ा और बड़ा चार्ट साइज में भी निकाल सकते हैं प्रिंट आउट, डिपेंडिंग आप कौन सा साइज सेलेक्ट कर रहे हैं, कस्टमाइज कैसे कर रहे हैं। तो कैन इसका एक बेनिफिट रहेगा। तो स्टूडेंट्स के साथ जो भी आप एक्टिविटी या कॉम्पिटिशन भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो भी इन टूल्स को लेकर यूज करवा कर उनको ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। तो जब भी कोई इंफोग्राफिक आप क्रिएट करें तो जस्ट रिमेम्बर द फ्यू फीचर्स दैट इंफोग्राफिक शुड हैव। दैट इंफोग्राफिक शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव, दैट मीन्स जो भी इंफॉर्मेशन आपको देनी है वो कंप्लीट उसमें आ जाए, कुछ पॉइंट्स मिस ना हो। दैट शुड बी अपीलिंग इन टर्म्स ऑफ जो भी आप उसमें ऑब्जेक्ट्स, इमेजेस, फोटोग्राफ, वीडियोज को इंसर्ट कर रहे हैं, लिंक्स को इंसर्ट कर रहे हैं, वो अपीलिंग हो। कुछ भी नहीं इंसर्ट करना बट वो कलरफुल हो, जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं इमेजेस इंटरनेट से भी, तो वो अपीलिंग हो। और कलर कॉम्बिनेशन का आपको ध्यान रखना है कि जैसे हम बोलते हैं बैकग्राउंड, इफ द बैकग्राउंड इज अ लाइट कलर तो आपका टेक्स्ट जो होता है वो ब्राइट डार्क कलर का होगा। एंड द कम्प्लीट इंफोग्राफिक शुड बी रिटेंटिव, मतलब इंफॉर्मेशन इजिली रिटेन हो स्टूडेंट्स को उसको देखने के बाद। दीज आर सम फीचर्स दैट शुड बी इंक्लूडेड इन योर इंफोग्राफिक व्हाइल यू आर क्रिएटिंग। And then there are different types of infographics. Here are a few examples. Suppose here first one हम देख रहे हैं, this is the comparison infographic. You can see coffee versus tea. मैंने random कुछ examples I have taken from internet. So in coffee और tea के जो pros cons हैं उनको describe किया हुआ है यहाँ पे small icons के साथ और small text के साथ। And if we talk about this middle one, ये एक geographic infographic है जिसमें India की demographic के ऊपर एक India का map देकर इसका कुछ भी आपको फैक्ट्स या डेटा देना है तो हम ये स्मॉल मतलब परसेंटेज बेसिस पे एक पर्टिकुलर स्टेट का यहाँ पे निकाल के मैप और उसके बाद उसको डिस्क्राइब किया हुआ है, पाई ग्राफ भी है, ठीक है। उसके बाद तो जो हमारे डेटा की प्रेजेंटेशन हुई है वो इस तरीके से हम ज्योग्राफिक इंफोग्राफिक में प्रेजेंट कर सकते हैं। एंड हियर इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो प्रोसेस है कैसे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, जो सनलाइट एंड देन यहाँ पर आपके लीफ में आके स्टोमेटा यहाँ पर है, किस तरीके से फूड बन रहा है, हाउ द कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स इज टेकिंग और उसके बाद ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं, तो ये सब कुछ प्रोसेस इंफोग्राफिक के अंदर आएगा कोई प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए। एंड द लोअर वन इज द जीनोमिक, ये टाइमलाइन प्रेजेंटेशन है, तो इसमें डिफरेंट एराज में 1990 से 2002 तक क्या क्या हुआ जीनोमिक स्ट्रक्चर के बारे में उसको प्रेजेंट किया गया है। तो आप देखेंगे इसमें अभी ये जूम मैंने बहुत बड़ा नहीं किया हुआ, यू इंक्रीज द साइज, यहाँ पे देखेंगे आप टेक्स्ट भी दिया हुआ है क्या क्या मेजर चेंजेस हुए उसके आइकन्स के साथ उन्होंने बताया हुआ है, इवन द मेजर पब्लिकेशन या रिसर्चेस जो हुई है उनकी भी मैगजीन का भी कवर लेआउट को डाला गया है ताकि इशू को पढ़ के लोग और इन्फॉर्मेशन गैदर कर सके। तो वॉट एवर हैज हैपन इन द पर्टिकुलर ईयर ऑन दैट पर्टिकुलर रिसर्च उन्होंने एक टाइम लाइन की फॉर्म में दिया हुआ है,
दीज आर फोर मेजर टाइप्स ऑफ इंफोग्राफिक, इसके अलावा और भी है. तो मैंने कंपेरिजन, जोग्राफिक प्रोसेस एंड द टाइमलाइन इंफोग्राफिक आई एम शोइंग यू हियर. देन व्हाट अबाउट द वेरियस टूल्स, हाउ यू कैन क्रिएट दीज इंफोग्राफिक्स. इंफोग्राफिक्स क्रिएट करने के लिए देयर आर मेनी टूल्स. ये वाले कुछ सैम्पल टूल्स हैं जो कि ऑनलाइन, सब ऑनलाइन टूल्स हैं, फ्री टूल्स हैं, दे आर नॉट कम्प्लीटली फ्री. आजकल कोविड के बाद ऐसा हो गया है कि बहुत सारे टूल्स दे इनिशिएटेड, बहुत सारे टूल्स बने और उसमें इनिशियली दे हैव आस्क फॉर द फ्री है वो, बट स्लोली द नंबर ऑफ यूजर्स आर इंक्रीजिंग, तो उन्होंने कुछ कुछ फीचर्स को पेड भी कर दिया. तो फॉर एवरी टूल देयर इज अ प्राइसिंग प्लान. तो हम ये नहीं कह रहे कि आप उसको परचेज करिए. फ्री ऑप्शंस में ही बहुत सारे टेम्पलेट्स और बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं जिसको आप उसको ही यूज कर ले, वो भी बहुत होगा. उससे बहुत सारे इंफोग्राफिक क्रिएट हो सकते हैं. एक एक ही टेम्पलेट से आप बहुत सारे इंफोग्राफिक क्रिएट करें, तो आपको ऐसा नहीं है कि परचेज वर्जन ही लेना पड़ेगा. सो वी आर नॉट सजेस्टिंग यू टू बाय एनीथिंग, बट आप फ्री, इनका जो फ्री वर्जन है, जब भी आप लॉग इन करें तो फ्री वर्जन को यूज कर आप उनको यूज करें. और इंफोग्राफिक आपके पास सेव रहेगा ऑन योर पर्टिकुलर अकाउंट आपके क्लाउड में, एंड आप उसको डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर सिस्टम पे भी सेव करके रख सकते हैं जो आप बनाते हैं. तो दीज आर कैनवा, लाइक कैनवा, इजीली, वेंगेज, पिक्टोचार्ट, विस्मे, इंफोग्राम, विजुअलाइज मी. आई होप इसमें से कुछ आपने शायद यूज भी किए हो अभी तक. और इसमें से मोस्ट मैं कहती हूँ, ज्यादातर लोग तो पूछते हैं कुछ भी न्यूज़लेटर क्रिएट करना है, कोई पोस्टर क्रिएट करना है, तो अभी तक कई लोग कैनवा बहुत यूज कर रहे हैं. तो डिफरेंट प्रोस एंड कॉन्स फॉर ईच टूल, विल बी डेमोन्स्ट्रेटिंग फ्यू टूल्स. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कैनवा रिप्रेजेंट करूंगी. तो रेदर देन आई थिंक गोइंग फॉर द दिस, थोड़ा सा एक बेसिक स्टेप्स बताती हूँ, उसके बाद विल डेमोन्स्ट्रेट अबाउट कैनवा. तो कैनवा इज अ इंफोग्राफिक ऑनलाइन टूल विच हैव वेरियस कैटेगरीज. आप इसे देखेंगे, इसमें बिजनेस एजुकेशन, तो एजुकेशन वाली कैटेगरी को आप यूज करके आपको रेडीमेड टेम्पलेट्स मिलती हैं. ये जो टूल है ये ऑनलाइन ही वर्क करेगा, इसके लिए आपको इंटरनेट की जरूरत है. इसकी एक मोबाइल ऐप भी अवेलेबल है. हर टूल की मोबाइल ऐप अवेलेबल नहीं होती, इसकी मोबाइल ऐप भी है. तो आपको कोई भी अकाउंट, सबसे पहले कोई भी टूल यूज करने के लिए एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है. एंड टू यूज दिस कैनवा, यू हैव टू जस्ट टाइप canva.com ऑन योर ब्राउजर. आप लिखेंगे तो कैनवा का वेब पेज खुल जाएगा, इसी तरीके से दिखेगा वो. उसके सेकेंड स्टेप होता है, वो अकाउंट क्रिएट करने के लिए बोलते हैं. तो अगर आप उस पर सबसे पहले आपने अकाउंट नहीं बनाया हुआ, तो whenever you are signing up, sign up करने पर they ask कि आपको अपने आप से कोई अपना अकाउंट क्रिएट करना है, मतलब अपना कोई यूजर नेम और पासवर्ड डालना है, या ऑलरेडी आपके एग्जिस्टिंग गूगल या फेसबुक अकाउंट के साथ आप लिंक करना चाहते हैं. अब यह एक छोटा सा सजेशन है, आप सबके पास जीमेल अकाउंट बना हुआ है, क्योंकि आप सब लोग स्मार्टफोन यूज कर रहे होंगे और आपके पास जीमेल आईडी होगा, तो आप अपना जीमेल आईडी के साथ ही उसे लॉग इन साइन अप करिए यहाँ से, कंटिन्यू विद गूगल. इससे बेनिफिट ये होगा कि वो आपके ऑलरेडी जीमेल अकाउंट के साथ लिंक हो जाएगा, और उसे आपको बार बार हर एक अकाउंट की पासवर्ड याद करने की जरूरत नहीं है. तो आप जितने भी आगे भी कुछ टूल सीखेंगे और जहाँ पे ऑनलाइन टूल सीखेंगे, उसको हमेशा कंटिन्यू विद गूगल करके ही साइन अप करिएगा. उससे यू विल नॉट बी एबल टू बार बार यूजर पासवर्ड याद नहीं रखना आपको. आपकी जीमेल आईडी का आपको पासवर्ड याद है, व्हेन यू क्लिक ऑन कंटिन्यू विद गूगल यू विल गेट दिस पेज. तो वो आपका जीमेल आईडी पूछेगा और जीमेल आईडी का पासवर्ड पूछेगा, एंड इट इज सेफ. तो आप जब वो लॉग इन कर लेंगे, तब आपके पास आपका होम पेज आएगा. होम पेज विल टेक योर फोटोग्राफ, आपके जो गूगल आईडी पे ही फोटोग्राफ होगी वो आपको उसको ऑटोमेटिकली वो ले लेता है, नहीं तो आपका नाम वो ले लेगा यहाँ से. उसके बाद आपके पास आपका ये डैशबोर्ड होगा. डैशबोर्ड मीन योर अकाउंट स्पेस जो होगा वो ये अवेलेबल है यहाँ पर, और आप जितना भी काम करेंगे वो आपके प्रोजेक्ट्स में सेव होता रहेगा ऑटोमेटिकली. नेक्स्ट स्टेप विल बी, जो भी आप टेम्पलेट चूज करेंगे, आपको टेम्पलेट रेडीमेड टेम्पलेट मिलती हैं इस तरीके के डिजाइन, एंड इसमें आप क्लिक करेंगे इसे, तो ये आपका एडिटिंग पेज खुलेगा उस टेम्पलेट को. यहाँ बोलते हैं टेम्पलेट, मैं यहाँ पे बोल रही हूँ रेडीमेड डिजाइन आपको मिलेंगे, जो डिफरेंट टाइप ऑफ इंफोग्राफिक मैंने बताए थे, प्रोसेस, जोग्राफिक,
या टाइमलाइन, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग कुछ थीम्स भी गिवन है एंड द टाइप ऑफ इंफोग्राफिक्स भी गिवन है, तो आप उसमें से सिलेक्ट करेंगे अपने टॉपिक या कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। सपोज आपको कोई कंपैरिजन करना है कि नहीं दो टॉपिक के बीच में, तो आप कंपैरिजन इंफोग्राफिक सेलेक्ट करेंगे और उसके भी डिफरेंट टेम्पलेट्स होंगे, तो जो भी आपको पसंद आए आप उसके अकॉर्डिंग वो सेलेक्ट करिएगा। सपोज आपको वर्कशीट्स बनानी है अपने स्टूडेंट्स के लिए या कोई असाइनमेंट क्रिएट करना है जिसमें वो इंफॉर्मेशन दे दे कि अट्रैक्टिव, जैसे ये वाला पेज का लेआउट है, तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो वो आपको अपने आप ओपन होगा डबल क्लिक करने पर, और उसको आप फिर एडिट कर सकते हैं डिफरेंट टूल्स के साथ जो कि एक लेफ्ट हैंड साइड में टूल बार होगा। तो सबसे पहले तो आप टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। ये सही छोटे एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको, ये थीम्स के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करेंगे, और इसके साथ साथ आप इसमें वीडियोस भी ऐड कर सकते हैं जो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट गिवन है, और आप अपनी कुछ वीडियोस को भी अपलोड कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको एस्केप करके आपको कैनवा पे लेके जा रही हूँ। अभी तक कोई डाउट है यू कैन आस्क इफ एनीवन हैज एनी डाउट। यस सर, दुष्यंत सर, इट्स अ फ्री सर्विस, चार्जेबल है या फ्री है? ये सर मैं बता रही हूँ आपके चैट बॉक्स पर। सर ये कम्प्लीटली फ्री नहीं बोलूंगी मैं, पर इसमें बहुत सारे टेम्पलेट्स फ्री अवेलेबल है, फ्री सर्विस है, नॉट कम्प्लीटली, देयर अ डिफरेंट प्राइसिंग प्लान। या यू कैन सी ये प्राइसिंग प्लान यहाँ पे गिवन है, तो आप देखेंगे अगर आप प्रो में जा रहे हैं, टीम्स में जा रहे हैं, तो अगर आप फ्री वर्जन को सेलेक्ट करेंगे तो आपको फ्री वर्जन में अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं डिजाइनिंग, तो आपको ये जो वर्जन दिखेंगे फ्री दिख रहे हैं। यहाँ पे जहाँ पे ये क्राउन का आइकन आपको दिखता है, क्राउन आइकन मीन दो थिंग्स आर पेड वन। तो सपोज आपके, मैंने देखा, मैंने आपको, मैं दोबारा दिखाती हूँ, मैं सबसे पहले कैनवा के होम पेज पे थी, ठीक है, यहाँ पे मैंने अपना अकाउंट ऑलरेडी लॉग इन किया। इफ यू से मैं अपना अकाउंट, या तो आपको दोबारा लॉग इन करके दिखाती हूँ, साइन आउट करके एक बार, जिसके लिए फर्स्ट टाइम है, मैं एक बार दोबारा बता रही हूँ। जब आप कैनवा खोलते हैं, I'm starting from the first page, जो मैंने steps आपको demo दिए। सबसे पहले आप Canva को use करने के लिए canva.com लिखेंगे Google पे, तो canva.com खुलेगा। यहाँ पर आपको login and the sign up चीजें मिलती हैं। तो आप सबसे पहले जब first time user हैं, तो आप sign up करेंगे। When you sign up, आपको option आती है Google या Facebook या कोई और email ID या कोई और way। तो preferably you will go for Google. सो दे विल आस्क आपको कौन से गूगल अकाउंट से लॉगिन करना है। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मेरे गूगल के अकाउंट्स लॉगिन है इस कंप्यूटर पे, अगर नहीं हुए तो आपसे वो ईमेल आईडी पूछेगा, तो आप ईमेल आईडी डालिएगा। तो मेरा ये वाले अकाउंट को मैं क्लिक कर रही हूँ, और ऑलरेडी मैंने पासवर्ड डाला हुआ है क्योंकि मेरा गूगल अकाउंट लॉगिन है। यहाँ पे देखिए, बस मैं दिखा रही हूँ आपको, ये गूगल अकाउंट मेरा ऑलरेडी लॉगिन है, इसलिए मुझे पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। बट अगर आप फर्स्ट टाइम डालेंगे तो आपको अपना जीमेल आईडी टाइप करना होगा, आपको अपना पासवर्ड टाइप करना होगा, और फिर ये आपका अकाउंट लॉगिन होगा। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे प्लान्स एंड प्राइसिंग में, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप फ्री पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद वो आपको बता रहे हैं कि बहुत सारे फीचर्स की वाली टेम्पलेट्स जो है ये फ्री हैं। तो वो पूछेंगे आपसे स्टार्ट डिजाइनिंग या टेम्पलेट्स को आपको ब्राउज करना है, ठीक है, तो आप टेम्पलेट्स को भी ब्राउज करके देख सकते हैं कौन कौन सी है। अब इसमें बहुत सारी कैटेगरीज आएंगी, लाइक आपको प्रेजेंटेशन बनानी है, आपको सोशल मीडिया पोस्ट बनानी है, आपको वीडियो बनानी है, या पॉपुलर टॉपिक्स आपको सजेस्टिव होंगे। अभी के टाइम में लोग इसमें सीवी भी बहुत बनाते हैं, जैसे ये आपके सब सीवी के टेम्पलेट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ ये प्रेजेंटेशन के टेम्पलेट्स हैं, ठीक है। आपका न्यूज़लेटर डिजाइन करना है, आपको पोस्टर डिजाइन करना है, उसके हिसाब से आपको ये टेम्पलेट्स गिवन है। तो आप इसमें से कोई भी टेम्पलेट को पिक करेंगे, अगर उस पर क्राउन का आइकन है तो वो पेड होगा। तो आई हैव सेलेक्टेड फॉर द फ्री वन, ठीक है। आपने उसके बाद इसमें कैटेगरीज भी गिवन है यहाँ पे, तो मैं एजुकेशन की कैटेगरी को पिक कर रही हूँ। अब इसमें लिखे एजुकेशन प्रेजेंटेशन, एजुकेशन इंफोग्राफिक्स, आई एम टेकिंग एजुकेशन इंफोग्राफिक्स को मैं बना रही हूँ। अब इसमें आप देखेंगे इसमें कितनी सारी टेम्पलेट्स है जो आपको दिख रही है। अब इसमें से आपको अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग, आपको लगता है कोई भी, अगर सपोज मैथ्स का टॉपिक है तो मैथमेटिकल टूल्स अक्रॉस एजेस, ये आपको नाम से मैथ्स का दिख रहा है, प्रोटेक्ट आर मैरीन लाइफ, तो आपको दिखता है कि बायो का टॉपिक हो सकता है, आपको वेजिटेबल्स के बारे में है, तो आप कुछ
चीजें जो आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको सूट कर रही हैं, आप इसको चेंज कर सकते हैं सिर्फ एक इनिशियल स्टार्ट के लिए कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है, आप उसको पिक कर लीजिए। तो अभी मुझे अगर मैथ का दिख रहा है तो मैं इसको पिक कर रही हूँ, डबल क्लिक किया तो इसमें आया कस्टमाइज करना है इसको। जब मैंने कस्टमाइज पे क्लिक किया तो मेरी ये टेम्पलेट ओपन हो गई है। अब मैं इसको थोड़ा इसका साइज मैं बढ़ा रही हूँ, यहाँ से देखिए 23% है तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ क्योंकि इसका जो साइज है वो बहुत लेंथ वाइज बड़ा है। मैं इसको अब आप देखेंगे जब ये टेम्पलेट ओपन हो गई है आपकी, ये जो एरिया है पूरा ये आपका एडिटिंग स्पेस है जहाँ पे आपको इस ऑनलाइन टूल को एडिट करने का मौका मिलता है। अब मैं अगर इसको डबल क्लिक करूंगी तो आप देखेंगे इसको मैं कर्सर आ रहा है आपका और आप इसको बैक स्पेस से या डिलीट के बटन से एडिट कर सकते हैं। तो मुझे अगर सपोज टॉपिक कुछ लेना है ट्राइंगल्स, तो मैंने ट्राइंगल्स ले लिया और टाइप कर दिया। आप इसको जब क्लिक कर रहे हैं इसको ऊपर ड्रैग करके ऊपर भी लेके जा सकते हैं, आप इसकी डुप्लीकेट भी कर सकते हैं इसको, उसके बाद इसमें से इसको डुप्लीकेट करके कॉपी पेस्ट करना है, इसको एनिमेट करना है, इसमें यूआरएल ऐड करना है वो कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने देखिए क्लिक करा हुआ ये बॉक्स, इन तीन डॉट्स पे गई, यहाँ पे मैंने अगर इसको इसकी कॉपी बनानी है कॉपी किया, इसको पेस्ट किया, इसकी दो कॉपी बन गई। ठीक है, अगर डिलीट करना है तो सिंपल डिलीट बटन से भी डिलीट हो सकता है कीबोर्ड के, या इसको कंट्रोल जेड कर देंगे तो अंडू भी हो सकता है, कोई भी अगर गलती हुई है तो कंट्रोल जेड करके अंडू भी कर सकते हैं आप। अगर मुझे इसी ट्रायंगल के टॉपिक पे कोई यूआरएल ऐड करना है तो वो उसको लिंक भी कर सकती हूँ मैं, तो वो ये लिंक पे क्लिक करके वो पूछ रहे हैं कि कोई लिंक बताइए इसका। अगेन आई एम रैंडमली टेकिंग, यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी ऑफिशियल की यूट्यूब वीडियो है, मुझे इससे रिलेटेड कोई वीडियो को अगर डालना है तो उस वीडियो को ओपन करके मैं उसका यूआरएल कॉपी करूंगी और उसके बाद इसमें पेस्ट कर सकती हूँ। ठीक है, तो इसमें लिंक ऐड हो गया है। उसके बाद अब आते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। सबसे पहले ये टेम्पलेट है जो कि हम ऑलरेडी सेलेक्ट हुए, अगर आप इस टेम्पलेट से खुश नहीं है तो आप अभी भी इसको चेंज कर सकते हैं। आप देखेंगे टाइमलाइन भी है यहाँ पर, टाइमलाइन की डिफरेंट इंफोग्राफिक्स बना सकते हैं, बना सकते हैं। उसके बाद इसके छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स में कुछ थीम्स हैं जैसे लाइन्स एंड स्पेसेस, ग्राफिक्स, आप यहाँ देखते रहिए आपको एरो को क्लिक करके जो जो सूट कर रहा है। सपोज मैंने ट्राइंगल का टॉपिक लिया है और मुझे ट्राइंगल दिखाना है, अभी यहाँ पे मुझे ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल है सपोज, मैंने इस ट्राइंगल को क्लिक किया और ये यहाँ पे मेरे इंफोग्राफिक पे आ गया, तो मैं इसको ऐसे ड्रैग करके ऊपर लेके जा सकती हूँ। ठीक है, तो ये ट्राइंगल को मैं बड़ा या छोटा या जहाँ पे भी मुझे पिक करना है इसको छोटा करके मैं इसको प्लेस भी कर सकती हूँ। ओके, उसी हिसाब से अगर कुछ और मुझे टूल अच्छा लग रहा है, यहाँ पे स्टिकर्स की बात है, यहाँ पे देखिए स्टिकर्स हैं, यहाँ पे डिफरेंट फोटोग्राफ्स हैं, तो अगर इससे रिलेटेड मुझे कुछ बढ़ाना है, यहाँ पे शेप सीख रही हैं अगर मुझे, ठीक है शेप्स भी आ गई हैं यहाँ पर, जो जो मुझे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स या आइकन्स चाहिए उनको मैं क्लिक करूंगी और वो मेरी क्लिक पे यहाँ पे अपीयर हो जाएंगे। इसमें ऑप्शन में एलिमेंट्स में वीडियोस भी गिवन है, ऑडियोज भी गिवन है, चार्ट्स भी गिवन है, टेबल्स भी गिवन है, फ्रेम, ग्रिड्स, ये सब चीज़ें हैं। और अगर आप और स्पेसिफिक चाहते हैं, आप देखिए कितने सारे ऑब्जेक्ट्स और आइकन्स हैं, बस आपको इसमें से देखना होगा, मतलब कुछ में अगर जो भी क्राउन वो आएगा, क्राउन का आइकन वो पेड होगा, ये मेरा क्यूब का स्ट्रक्चर आ गया है। तो आपके ये जो छोटे छोटे आइकन्स ऑलरेडी, अगर ये वाले आपको पसंद नहीं है तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं, इसकी जगह इसको लगा सकते हैं, ये बोन मुझे किसी काम की नहीं लग रही, मैं इसको डिलीट कर सकती हूँ। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स आइकन्स को आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं आपके टॉपिक के हिसाब से, ये सब बहुत सारे ऑप्शंस हैं और ये सारे फ्री हैं सर, जहाँ क्राउन दिखा उसको आप मत यूज करिए, वो पेड होगा फिर। ओके, तो एरोज भी, ये एरोज हैं, ग्राफिक्स हैं, इसके अंदर देखिए वैरायटी ऑफ थिंग्स हैं,
एरोज, ग्राफिक, फोटोज, वीडियोज, ऑडियोज। अगर आप यहाँ देखें ध्यान से, वीडियोज में क्राउन लगे हुए हैं मोस्टली। इस वाली वीडियो में क्राउन नहीं है, ये क्राउन है प्रो लिखा है, प्रो मीन्स पेड। दिस वीडियो इज फ्री, तो अगर मैं इसको क्लिक कर रही हूँ तो ये वीडियो भी अपीयर हो गई मेरी यहाँ पर शॉर्ट सेकेंड की। तो सबसे पहले तो इसके लिए बस आपको पहले खुद एक्सप्लोर करना है इसमें कितनी चीजें अवेलेबल है। बट अगर आपको लगता है ये कुछ भी सेटिस्फाइंग नहीं है, मेरे कंटेंट के अकॉर्डिंग नहीं है वीडियो और ऑडियो स्पेशली, तो आप अपनी ऑडियो और वीडियो खुद भी अपलोड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए इसमें से कौन कौन सी चीजें हैं। सपोज आपको कुछ और एरो बनाना है, यहाँ पे एरो आया है। अभी एरो मुझे विजिबल नहीं हो रहा क्योंकि ये व्हाइट कलर का था, तो मैं इसको भी चेंज कर सकती हूँ, इसके कलर को भी। इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, इसको इमेज को एडिट कर सकते हैं हम लोग। ये व्हाइट कलर का एरो का, अगर मुझे ये रेड करना है तो आई कैन मेक इट रेड। तो जब एक पर्टिकुलर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी इमेज है आप यहाँ से पिक कर लेते हैं, उसके बाद ये ऊपर वाला टूल बार ओपन हो जाता है और इसमें उसकी फर्दर एडिटिंग हो जाती है। तो अगर मुझे इस एरो का कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर सकते हैं। इसको और एडिट करना है तो इसमें इफेक्ट डालना है वो डालना है। क्रॉप करना है, क्रॉप तो हम क्रॉप करना आपको पता है, क्रॉप करने के लिए आपको कुछ काटना है अगर तो वो आप कट कर सकते हैं, इसको क्रॉप कर सकते हैं। इसको फ्लिप करना है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल और तो जो भी डायरेक्शन चेंज करनी है। इसको एनिमेट करना है तो एनिमेशन के डिफरेंट इफेक्ट्स जैसे आप पीपीटी में करते थे, राइज नीचे से ऊपर आना, पैन, ये मूवमेंट देखिए हो रही है इसकी। जो जो मुझे इफेक्ट चाहिए एनिमेशन के मैं वो कर सकती हूँ। बट ये कि जो एनिमेशन जो इफेक्ट्स हैं इसके, वो कुछ चीज़ों में ऐसा है कि जब आप लास्ट में जब ये बना लेंगे, एनिमेट कर देंगे, तो जब बच्चों को आप शो करेंगे तो बच्चों को शो करने के लिए आपको इसको कैनवा का इंफोग्राफिक डायरेक्ट खोल के ही आप प्ले करके दिखा सकते हैं। अदरवाइज इसको डाउनलोड करेंगे तो वो जेपीईजी या पीडीएफ या पीएनजी फॉर्म में डाउनलोड होगा, तो वो वर्जन पे वो एनिमेशन काम नहीं करेगा। और जो एनिमेशन वर्जन आपको डाउनलोड करना है कुछ चीज़ों में वो अलाउ नहीं करता, वहाँ पे वो कुछ चीज़ पेड हो जाती है। कुछ एनिमेशन जो होता है वीडियो फॉर्म में डाउनलोड करने के लिए। दीज आर द एलिमेंट्स विच यू वॉन्ट टू एड इन योर इंफोग्राफिक। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं अपलोड्स की। तो अपलोड्स में अगर आप देखें, आप इनसे सेटिस्फाई नहीं है, इनके एलिमेंट्स की गैलरी से सेटिस्फाई नहीं है कैनवा की, तो आप अपनी फाइल्स को खुद अपलोड कर सकते हैं थ्रू वेरियस फॉर्म। आपके वो इमेजेस हुई या वीडियोज हुई या ऑडियोज हुई, तो आपके वो ड्राइव पे है, कंप्यूटर पे है, कहीं से भी अपलोड कर सकते हैं। सपोज मैंने अपने कंप्यूटर से कुछ अपलोड करना है, ये वाली इमेज मैंने इसको क्लिक किया, इसको अपलोड कर दिया। ये जो इमेज है ये मेरे कैनवा के अकाउंट में ही सेव भी रहेगी आगे। कभी मुझे किसी और इंफोग्राफिक में ये इमेज अपलोड करनी है तो ये यहाँ पे सेव हो गई है, कैनवा के अकाउंट में ऑलरेडी आ गई है। तो आपकी ये इमेज को अगर आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे अपीयर हो गई है। अगेन सेम तरीके से आप इन इमेजेस को सेट कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियोज की अगर हम बात कर रहे हैं, तो अगर मुझे कोई वीडियो चाहिए तो आप सर्च वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं या अपलोड कर रहे हैं, अगर कोई शॉर्ट वीडियो अगर मेरे पास अभी मिलती है मैं आपको दिखाती हूँ। तो थोड़ा टाइम लगेगा अपलोड करने के लिए, मैं अभी ये शॉर्ट एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो अपलोड होएगी। ये 50 सेकंड्स की वीडियो है। अगेन ये वीडियो भी आपके अकाउंट में सेव हो जाएगी कैनवा अकाउंट में जब आप अपलोड कर देंगे इसे, तो ये पूरा प्रोसेस कम्प्लीट होगा। ऐसे ही ऑडियो को भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो जब आप ये क्लास में इंफोग्राफिक दिखा रहे हैं, यू कैन योरसेल्फ सी कि इसमें पिक्चर्स भी हैं, इसमें टेक्स्ट भी है, इसमें ऑडियो भी है, इसमें वीडियो भी है, इसमें यूआरएल भी है। सो अगर हम बात कर रहे हैं, ये ग्राफिक रिसोर्स है, ये खाली इंफोग्राफिक है, बट इसके अंदर वेरियस टाइप ऑफ मीडियाज भी अवेलेबल है। तो उसका बेनिफिट ये रहता है, अभी वीडियो अपलोड हो गई है कम्प्लीट, मैं इसको क्लिक करूँगी, ये वीडियो यहाँ पे आ गया। तो जब आप स्टूडेंट्स के सामने प्ले करेंगे तो उसी तरीके से वीडियो भी प्ले होगी। आप सपोज कोई कॉन्सेप्ट बता रहे हैं तो उसी से रिलेटेड वीडियो को आप इसमें यहाँ पे डाल दीजिए और वो उसके साथ वो प्ले करके देख सकते हैं।
इनकेस वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी है, बड़ी है, तो अपलोड नहीं हो रही है, टाइम लगता है उसको प्रोसेस होने में, तो उस केस में आप कोई भी इमेज के अंदर उसको यूट्यूब की वीडियो को लिंक कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था, लिंक क्लिक करेंगे और वीडियो यूट्यूब की वीडियो को का URL इसमें डाल देंगे, तो वो लिंक हो जाएगी उस पर्टिकुलर टेक्स्ट के साथ या उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पर आप इमेजेस भी अपलोड कर सकते हैं, वीडियो भी, इन द सिमिलर वे आप ऑडियो भी अपलोड कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं आप टेक्स्ट, सपोज इस इंफोग्राफिक में टेक्स्ट बॉक्स गिवन है, ठीक है, मुझे और भी टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, या ये गलती से मुझसे अगर डिलीट हो गया सपोज, ठीक है, तो मुझे चाहिए टेक्स्ट बॉक्स चाहिए मुझे पूरा कहीं, तो उस केस में आप टेक्स्ट बॉक्स भी टाइप कर सकते हैं। आपको हेडिंग चाहिए, किस फॉर्म में चाहिए, हेडिंग की फॉर्म में, तो यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्म आ गया, टेक्स्ट बॉक्स आया है। जैसे आप कंप्यूटर में सिंपल टाइप करते हैं, आप उसी तरीके से आप टाइप कर देंगे, एक्यूट एंगल ट्राइंगल सपोज टाइप बता रहे हैं, तो आपने टाइप किया, और तीन टाइप के ट्राइंगल की इमेजेस को आप सर्च करिए गूगल पे अपने, अगर इसमें नहीं है तो आप गूगल पे सर्च करेंगे और उसको आप अपने कंप्यूटर में सेव करेंगे और उसमें लाके अपलोड कर देंगे। ये डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट है, और अगर आप इस टेक्स्ट बॉक्स को देखिए तो इसमें जब ये आपने सेलेक्ट किया है तो ऊपर इसका फॉन्ट साइज भी वेरी करता है। आप इसका फॉन्ट साइज चेंज कर सकते, फॉन्ट टाइप चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसको बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन, जो भी आपके एमएस वर्ड की ऑप्शंस होती हैं वो आप इसमें ला सकते हैं। इसको इसके इफेक्ट्स भी चेंज कर सकते हैं, सपोज यू वांट टू चेंज द इफेक्ट्स, इसको एनिमेट कर सकते हैं, आप इसको लॉक कर सकते हैं। ये लॉकिंग फीचर बहुत बेनिफिशियल है उस केस में जब आप बच्चों को या ये एक इंफोग्राफिक अपना टीम की तरह बनाए। सपोज अब जैसे आप लोगों की बिहार की टीम है सपोज, एंड आप सब लोग एक ही अच्छा इंफोग्राफिक क्रिएट करना चाहते हैं, आप अच्छे सेम सब्जेक्ट के टीचर्स, आप इसको शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, तो इफ मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्यूट, मैं नहीं चाहती इसकी पोजीशन चेंज हो, सो आई कैन लॉक इट्स पर्टिकुलर पोजीशन, यहाँ पे जाके मैं इसको लॉक कर दूंगी, तो यहाँ पे स्मॉल लॉक लगा हुआ आ जाएगा, दैट मीन्स इसकी पोजीशन को मैं हिला सकती हूँ पर दूसरा पर्सन नहीं हिला पाएगा जो इसको एडिट करेगा, तो ये लॉक हो गई है, फिक्स हो गई है ये। तो इसका बेनिफिट यही है कि अगर आप कोलैबोरेटिवली वर्क कर रहे हैं एक इंफोग्राफिक पे, तो वो उसको, जैसे हम कहते हैं दूसरे ने किसने डिलीट कर दिया, हमें नहीं पता लगा किसने इसका कलर चेंज किया, तो वो पॉसिबिलिटीज खत्म हो जाती है टू लॉक, आफ्टर लॉकिंग। उसके बाद जो भी आपके इंफोग्राफिक्स होते हैं वो आपके फोल्डर्स में सेव हो सकते हैं, आप अपने फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर नाम दे सकते हैं। यहाँ पे सपोज ये फोल्डर है, यहाँ पे मैंने अपना एक फोल्डर बनाया, तो मैंने SRG का एक फोल्डर बनाया और उसके अंदर ये सेव कर सक सेव हो जाएगा। फिर अगर मैं इसको मूव कर दूंगी तो ये आपके फोल्डर के, आपके पूरे प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के लिए काम आता है ये। इसके साथ वीडियोस ऑलरेडी यहाँ पे डिफरेंट थीम्स की वीडियोस गिवन है, क्रिसमस के ऊपर गिवन है, न्यू ईयर, जो भी अलग अलग थीम्स हैं, आप उन वीडियोस के अकॉर्डिंग भी नेचर की वीडियोस गिवन है, स्मॉल शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस गिवन है, उसके नेचर के अंदर भी फर्दर कितनी सारी वीडियोस हैं, नेचर के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग, अब ये प्रो जहाँ लिखा है यू कैन नॉट यूज दिस वीडियोस, ये फ्री नहीं है, जहाँ पे प्रो नहीं है उसको आप यूज कर सकते हैं। तो सिमिलर वे आपको गूगल ड्राइव के साथ कनेक्ट करना है, तो आप अपने इस अकाउंट को लिंक करेंगे और वहाँ से इजी हो जाएगा कि आप इजीली आपके आपकी जो भी फाइल्स हैं उसका एक्सेस इसको इजीली मिल जाएगा, आपको हर बार अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर कनेक्ट विद योर गूगल ड्राइव अकाउंट, लास्ट में मोर में देखिए आप कितनी ऑप्शंस हैं, मोर में ये आपको और ऑप्शंस दे रहा है कि डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ से अगर आपको कुछ मीडिया ढूंढना है तो उनके साथ भी आप लिंक कर सकते हो अगर आपका अकाउंट वहाँ पे ऑलरेडी है। जो इसमें से सपोज फ्लिकर से हमें बहुत सारी इमेजेस मिलती हैं, आपकी गूगल फोटोज में आपकी सारी फोटोज सेव होती हैं, तो आप उन अकाउंट्स के साथ एसोसिएट कर सकते हो, उनको एक्सप्लोर करके वहां से अपने मीडिया को आप इसमें इनपुट कर सकते हैं। तो ये सब इंफोग्राफिक जब हम क्रिएट कर रहे हैं, मैं दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर रही हूँ, आप कोई भी टेक्स्ट बॉक्स को एडिट कर सकते हैं जो इसमें बना हुआ है,
आप ये टेक्स्ट बॉक्स अगर डिलीट हो जाए तो टेक्स्ट में जाके टेक्स्ट बॉक्स ला सकते हैं. इफ यू वांट एनी एलिमेंट, एलिमेंट में बहुत कुछ है. एलिमेंट में इमेजेस हैं, शेप्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोज हैं, ऑडियोज हैं, कोई भी टाइप का मीडिया आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं. बस एक सिंगल क्लिक करना है आपको और वो आपके इस पे आ जाएगी. जो भी चीजें आप एडिट कर रहे हैं, टेक्स्ट या जो भी एलिमेंट्स, उन सबको आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं. आप टेक्स्ट ला रहे हैं तो उसका टाइप ऑफ फॉन्ट, फॉन्ट साइज, कलर, उसमें एडिटिंग कर सकते हैं फर्दर इन चीजों के थ्रू. कोई भी ऑब्जेक्ट को आप क्लिक कर रहे हैं, वो सेलेक्ट हो रहा है, जो पर्पल बॉक्स आ रहा है इसके थ्रू आप देखेंगे. तो जब आप ये सेलेक्ट कर रहे हैं तो सेलेक्ट करने के बाद इसमें कॉपी भी बनती है, इसको डिलीट भी किया जा सकता है, और उसके बाद इसको लिंक भी किया जा सकता है, इसको एनिमेट भी किया जा सकता है. ये सब, ये जो ऊपर इमेजेस आ, ऊपर टूल बार आ रहा है, उन सबसे पॉसिबल ही है. और एक स्पेशल फीचर बताया था लॉक करने का. लॉक करने का मतलब वो चीज कभी मूव नहीं करेगी, वो वहां पे पर्टिकुलर एरिया में लॉक हो जाएगी, उस पर्टिकुलर पेज में. तो अगर मैं इसको जूम आउट थोड़ा छोटा कर रही हूँ, आप देखेंगे ये अगर एक एक पेज है सिर्फ इंफोग्राफिक का. इफ यू वांट टू क्रिएट द मल्टीपल पेजेस, सपोज न्यूज़लेटर है या एक छोटा सा ब्रोशर डिजाइन करना है आपको, या वर्कशीट के डिफरेंट पेजेस चाहिए आपको, तो आपने एक में तो कर लिया, इसका ऐड अ पेज लाएंगे आप तो एक ब्लैंक पेज भी ऐड हो जाएगा. सपोज एक कवर पेज हो गया, इसे आप डिजाइन कर लीजिए, सेकेंड पेज में ब्लैंक पेज है. इस ब्लैंक पेज में आप अपने हिसाब से जीरो से भी शुरू कर सकते हैं. सपोज आपको बच्चों को ब्लैंक पेज ही देना है, शुरू में एक्टिविटी में इंस्ट्रक्शंस वगैरह सब मेंशन कर दी, एंड सेकंड पेज में बच्चों को बोला कि आप खुद ड्रॉ करिए, तो थोड़ा सा लाइंस और उसके साथ आप उसको, सपोज ये लाइंस ही होंगी ना, तो लाइंस ड्रॉ करके आप बच्चे को ब्लैंक पेज दे दीजिए, ठीक है, उससे वो खुद ड्रॉ कर पाएगा, सॉरी खुद लिख लेगा कुछ, जो वर्कशीट हम बोलते हैं छोटे बच्चों को. इवन आप इस वाले पेज को अगर डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो वो डुप्लीकेट भी हो जाएगा. तो अभी फर्स्ट पेज है, ये डुप्लीकेट भी है ना, सेकंड पेज है, और ये थर्ड वाला प्लेन पेज है. तो आप इसमें नंबर ऑफ पेजेस क्रिएट कर सकते हैं. तो ये आपका ब्रोशर या न्यूज़लेटर बनाना हो अगर आपको, तब उसमें हेल्प आउट करेगा. इसके तीन पेजेस हो गए इन्फोग्राफिक के. एंड ये सब कुछ जो है, ये आप यहाँ देखेंगे क्लाउड आ रहा है एक बार, और उसमें टिक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, ऑल चेंजेस सेव्ड. ये थोड़ी थोड़ी देर बाद इंटरनेट के कनेक्शन के अकॉर्डिंग, आपका स्लो इंटरनेट है थोड़ा टाइम ले सकता है, जैसा इंटरनेट की स्पीड होगी उसके अकॉर्डिंग ये अपने आप ऑटोमेटिकली सेव होता रहता है, जैसे कि आपकी गूगल ड्राइव में होता है, जो भी गूगल शीट आप डॉक और गूगल प्रेजेंटेशन यूज करते हैं उसमें सबको ऐसे, इसमें भी वैसे ही सेव होता रहता है ऑटोमेटिकली. ओके, उसके बाद आप इसको अगर प्ले करके देखना चाहते हैं तो प्ले देख सकते हैं. क्योंकि मैंने इसमें वीडियो डाली थी तो इसका प्लेइंग टाइम हो गया 1:45. मैंने इस पे एक छोटा एनिमेशन भी दिया था उसका, इस क्यूब का नहीं, सॉरी ट्रायंगल का. तो इस इंफोग्राफिक का एक प्लेइंग टाइम भी हो गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसमें ऐड कर लिया है वो टाइम जितना मैंने इसमें एनिमेशन डाला है, तो सब एनिमेशन का टाइम को वो काउंट कर लेता है. एंड एट लास्ट अगर हम इसकी बात कर रहे हैं कि इसको ये क्रिएट होने के बाद हम इसे शेयर कैसे करें या डाउनलोड कैसे करें, तो जो एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे शेयर का ऑप्शन है, तो आप इसमें अभी तक आपके पास एक्सेस है, आप इसका लिंक दे सकते हैं किसी के साथ. तो इसको इस वाले को चेक इन करना है तो आपका एक URL क्रिएट हो जाएगा. तो इस सेशन के बाद आपका टास्क यही है कि आप इंफोग्राफिक क्रिएट करेंगे, और थिंक सब लोग अपना जो क्रिएटेड इन्फोग्राफिक है वो शेयर करेंगे ग्रुप्स में, जैसे आपने अपना सर्टिफिकेट शेयर किया या मोनिका मैम आपसे जो ड्राइव का लिंक शेयर करेंगी, तो आप उसमें कॉपी करेंगे उस लिंक को और उस लिंक को शेयर करेंगे अपने ग्रुप में जो भी आप इन्फोग्राफिक बनाएंगे. तो ये एक तो हो गया शेयर करना लिंक पब्लिकली सबके साथ. अब ध्यान रखिए, जब मैंने पब्लिकली शेयर किया है तो यहाँ पे ऑप्शन आ रही है कैन एडिट, कैन कमेंट, कैन वॉच. तो अगर आपने इसे ओपन कर दिया पब्लिकली और जब भी आपने इसके साथ इसका लिंक शेयर करा ग्रुप पे, तो अगर आपने एडिटिंग राइट्स दिए हैं तो सब इसको एडिट करना शुरू कर देंगे, अगर उनका कैनवा पे अकाउंट हुआ तो, ठीक है. तो उस केस में फिर क्या होगा, आपका इंफोग्राफिक खराब हो जाएगा. तो व्हेनेवर यू आर ओपनिंग दिस ऑन पब्लिक, आप उसे हमेशा एडिटिंग राइट्स को रिमूव करके दीजिए.
कैन वॉच दीजिए, वो सिर्फ देख पाएंगे उसको। तो इसके साथ ही लिंक को कॉपी करके शेयर करिएगा, एक तो ये चीज है याद रखिएगा। उसके बाद आते आगे बात करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू शेयर कर सकते हैं आपका जहाँ पे भी सोशल मीडिया का अकाउंट है। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं अब डिफरेंट फाइल टाइप में, JPEG, PNG, PDF स्टैंडर्ड, PDF प्रिंट, SVG वाला पेड है। उसके बाद MP4 सजेस्टेड। अभी MP4 सजेस्टेड क्यों लिखा है इन्होंने, ऑटोमेटिकली क्योंकि मैंने इसमें वीडियो डाली है और इसमें एनिमेशन डाल दिया है, इसलिए सजेस्ट कर रहे हैं कि आप इसकी MP4 वाला वर्जन डाउनलोड करिए क्योंकि वो तभी प्ले होगा। अगर ये बाय डिफॉल्ट सेट है, और इसमें देखिए ये भी पूछ रहा है कि कौन से वाले पेजेस आपको डाउनलोड करने हैं, मैंने 3 पेजेस बनाए थे। अगर आप चाहते हैं सिर्फ मेरा फर्स्ट पेज ही डाउनलोड हो तो मैं खाली फर्स्ट पेज को सेलेक्ट करूंगी और फिर मैं इसको डन करूँ के इसको डाउनलोड करूंगी। अब ये MP4 है तो ये डाउनलोड होने में थोड़ा सा समय ले रहा है, आप ध्यान रखिएगा। हम कई बारी इनकी कुछ वीडियोस को डाल रहे हैं तो वो MP4 वर्जन में सारे इंफोग्राफिक डाउनलोड नहीं होते, बट ये MP4 वीडियो में फॉर्म में डाउनलोड हो रहे हैं। ये फीचर इस वाले टूल में है, अगर मैं दूसरा टूल बताऊँ एक ईजिली, उसमें ये MP4 वर्जन वाला फ्री अकाउंट में अलाउड नहीं है, उसमें सिर्फ आप JPEG फॉर्म में ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो जितनी देर में डाउनलोड हो रहा है मैं आपको एक बारी फोन पे हेलो जी, तो हम लोग अपने होम पेज पे आ गए वापस। अब आपने सोचा बाय चांस कुछ क्लिक हो गया और होम पे आ गए, तो आपने अपने होम पे, आपका होम पेज है और इसमें अगर आप देखेंगे आपके रीसेंट डिजाइन में आपको ये वाला इंफोग्राफिक मिल जाएगा जो आपने क्रिएट किया है। आप यहाँ से भी इसकी कॉपी बना सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं या इसको डिलीट भी कर सकते हैं, सभी ऑप्शन है। आपने एक प्रोजेक्ट बनाए थे अभी, तो अभी आपके खाली आप प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो योर प्रोजेक्ट्स में आपके आपके वाले प्रोजेक्ट्स आएंगे सारे, ठीक है। इस बार मैं देखती हूँ आपका वर्जन डाउनलोड हो गया कि नहीं, आई थिंक मैंने वो बैक पेज कर दिया, अभी डाउनलोड नहीं हुआ, मैं दोबारा डाउनलोड करती हूँ। सिर्फ फर्स्ट पेज को डाउनलोड करती हूँ, प्रोसेस मैंने बीच में रोक दिया था इसलिए वो रुक गया। ये वीडियो का कॉपी वाले यहाँ से भी कॉपी हो रहे हैं, वैसे कर सकते हैं आप। तो जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकंड्स, देन आई विल शो यू द आउटपुट की डाउनलोड। वैसे अभी हमने कुछ वैसा क्रिएट नहीं किया, फ्रूटफुल वाला बस एक डेमो ही क्रिएट किया है, तो डाउनलोड वर्जन किस तरह से दिखेगा वो बात। आई होप इतना सब क्लियर, बहुत बहुत इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं आई है। चैट बॉक्स ओके, गनीमा मैम ने पूछा है सेव इट फ्रॉम अदर, मैम इसको एडिट करने के लिए जब आपने इसका शेयर किया हमने और ओपन किया एवरीवन ओपन किया सबके लिए, तो हमने एडिटिंग को हटा दिया, तो हमने सिर्फ उनको व्यूअरशिप राइट दिए कि वो देख सकते हैं, तो इससे वो सेव हो जाएगा आपको अदर्स को एडिट करने के लिए। ओके, डिफरेंट लैंग्वेजेस की बात है वो भी मैं आपको बताती हूँ कैसे इसमें कर सकते हैं। उसके बाद दुष्यंत सर पूछ रहे हैं हाउ कैन वी ऐड आवर ओन क्लिप ऑन द वीडियो, ओके जनरेट लिंक, ओके मैं एक बार दोबारा बताती हूँ। देखिए जो भी आपकी अपनी वीडियो और फोटोग्राफ्स है अगर वो इस कंप्यूटर पे हैं तो आपको अपलोड में आपको ऑप्शन बताया था, आप अपलोड में जाएंगे और अपलोड में जाकर अपनी फोटो और वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं दूसरी लैंग्वेज के लिए तो हम लोग गूगल इनपुट टूल्स का यूज करते हैं, आप में से कुछ लोगों को शायद पता भी हो ऑलरेडी,
गूगल इनपुट टूल्स हमें अलाउ करता है डिफरेंट लैंग्वेजेस में टाइपिंग के लिए, जिसको नहीं आती. सपोज मुझे हिंदी की टाइपिंग नहीं आती, तो आई ओपन गूगल इनपुट टूल्स ऑनलाइन. मैं अपनी लैंग्वेज को मैं सेलेक्ट करती हूँ, सपोज हिंदी. तो सपोज मुझे ट्राइंगल्स का टॉपिक पढ़ाना है, तो हम उसमें कुछ बोल रहे हैं. तो जैसे हम SMS की भाषा में लिखते हैं त्रिभुज, त्रिभुज, मैंने त्रिभुज टाइप किया तो ये त्रिभुज आ गया. गूगल इनपुट हमें मौका देता है कि अगर हमें कोई भाषा नहीं आ रही है तो मैं उस भाषा का शब्द अगर जानती हूँ, सपोज ट्राइंगल की हिंदी मुझे त्रिभुज पता है पर मुझे टाइप नहीं करना आता, तो मैं उसे इंग्लिश में टाइप कर रही हूँ और वो हिंदी में ऑटोमेटिकली आ जाता है. तो मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ इस टेक्स्ट को, और उसके बाद में इसे लेके जा सकती हूँ. अभी मैं जस्ट वेट कर रही थी कि ये डाउनलोड हो जाए, नहीं तो फिर रुक जाएगा. मैं इसमें दिखाती हूँ आपको, मैं दूसरे टेम्पलेट में दिखा देती हूँ तब तक आपको. अभी मैंने पेड वाला कर लिया. जब तक वो डाउनलोड हो रहा है तब तक मैं आपको, जिन्होंने पूछा है कि आप हिंदी में कैसे टाइप करें दूसरी भाषा में, तो मैं बता रही हूँ. मैंने गूगल इनपुट टूल खोला था और वहां पर हिंदी भाषा का चुना था. यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, आप देखिए. तो आप जो भी भाषा में टाइप करना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट करेंगे, और अगर उस शब्द की आपको हिंदी पता है, मतलब उस भाषा का, उस शब्द का, उस भाषा का शब्द पता है, तो आप वो टाइप करेंगे इंग्लिश में तो वो उसी में आ जाएगा. तो मैंने ट्राइंगल्स को त्रिभुज मुझे पता था, त्रिभुज टाइप किया, इसको कॉपी किया, और इसको मैं अपने सपोज टॉपिक में यहाँ पे लेकर आना चाहती हूँ, मैंने इसको पेस्ट कर दिया. तो कोई भी दूसरी भाषा के लिए अगर आपको लेकर आना है तो आप इसके थ्रू ले सकते हैं, जैसे त्रिभुज आ गया. तो उस तरीके से भी ये दूसरी लैंग्वेज में भी हो सकता है. एक मैम ने पूछा था, किसने पूछा था कि आप अपलोड कैसे करें. मैं दोबारा बता रही हूँ, आप यहाँ अपलोड में जाएंगे, आप अपलोड फाइल्स में जाएंगे, और आपके कंप्यूटर में कोई भी फोटो वीडियो या ऑडियो को आप उसको ऐसे क्लिक करेंगे और उसको ओपन करेंगे तो वो आपके इन्फोग्राफिक में आ जाएगा. पहले वो आपके यहाँ पे आएगा, इसको सेलेक्ट करेंगे, ये आ गया. ये वाली इमेज आपके इंफोग्राफिक में आ गई. तो अपलोड करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन गिवन है अपलोड. चाहिए वीडियो डाउनलोड हो गई है इंफोग्राफिक, मैं इसको ओपन करके दिखा रही हूँ. ये यहाँ पे इन्फोग्राफिक मेरे डाउनलोड्स में डाउनलोड हो गया है. तो अगर मैं दोबारा इसे खोलना चाहती हूँ, सपोज अपने अकाउंट को लॉगिन किया कभी भी कहीं, तो मैं कैनवा पे गई, मैं अपने प्रोजेक्ट में गई, प्रोजेक्ट को डबल क्लिक करके ओपन कर सकती हूँ, दोबारा इसको एडिट कर सकती हूँ, कैसे भी कहीं भी मैं गलती हुई या कभी मुझे लगा इन फ्यूचर में कोई भी कंटेंट अपडेट हुआ है, मुझे कोई नई फोटो या इमेज या कुछ डेटा अपलोड करना है, चेंज करना है, तो मैं चेंज कर सकती हूँ और फिर उसे दोबारा से वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा मेरे प्रोजेक्ट में. एक चीज मेरी बतानी रह गई है इसमें, ग्राफ इंसर्ट करने के लिए, वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमने बात की थी ग्राफिकल डेटा की बात की. सपोज अगर कोई मुझे चार्ट डालना है या बार ग्राफ, अरे किसी का माइक ना ऑन है तो काफी शोर हो रहा है उससे. ओके थैंक यू. तो अगर मुझे ग्राफ डालना है तो मैं दोबारा मैं बता रही हूँ, मैं एलिमेंट्स में गई, मैं चार्ट्स में गई और यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स हैं. तो मैंने अभी एक बार ग्राफ को सेलेक्ट किया और एक ग्राफ यहाँ पर आ गया, ठीक है. और जैसे ही ग्राफ आया है बाय डिफॉल्ट इसमें डेटा भी आया ही वाला. तो यहाँ पे जैसे हमारी एक्स एक्सिस पे आइटम वन लिखा है, और अगर मैं इसको डबल क्लिक करके मैं यहीं पे एडिट करना चाहूँ, सपोज मैं ईयर डाल रही हूँ 1995, ठीक है 1996, तो आप देखेंगे ये यहाँ पे ईयर चेंज हो गया. तो कोई भी अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है डेटा को, तो आप
टाइप ऑफ ग्राफ सेलेक्ट करेंगे तो इसमें ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट ये आ गया ग्राफ। आपको अगर इतनी ही आइटम्स चाहिए तो आप इसको यहीं पे एडिट कर सकते हैं, जैसे सपोज इसमें 3 सीरीज गिवन है, ठीक है। अगर मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको डिलीट भी कर सकती हूँ। सपोज तो मेरा एक एक बार गायब हो जाएगा, अब 2 डेटा के साथ मेरा ग्राफ बन गया है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको अपना ग्राफ खुद क्रिएट करना है तो आप इसमें क्या करेंगे, आप अपना जो डेटा है वो इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। आप नीचे देखेंगे लिखा है आपकी गूगल शीट का डेटा या आपकी अपनी कोई सीएसवी है उसको अपलोड कर सकते हैं, मतलब उस डेटा को आप ला सकते हैं अपने डेटा खुद ऐड करके। ये नीचे आ रहा था ऐड डेटा, यहाँ पे गूगल शीट में गए तो मुझसे पूछेगा कि मेरा कौन सा डेटा मुझे चाहिए यहाँ पर, तो मैं अपने अकाउंट का जिसमें डेटा हो मेरे पास उस गूगल शीट का, मैं इसको दोबारा एक मिनट करती हूँ, हाँ तो मैं उसे एक्सेस दे रही हूँ अभी। तो मेरे जिस जीमेल आईडी पे मेरा जिस गूगल शीट पे डेटा है उसका एक्सेस देने पर वो ऑटोमेटिकली यहाँ से ग्राफ पिक करके उस ग्राफ को यहाँ पर प्रेजेंट कर देगा। और इस पर्टिकुलर ग्राफ में भी आपको फर्दर चेंजेस करने हैं, लाइक कलर कॉम्बिनेशन के लिए आप कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। क्या अगेन फॉन्ट साइज और सब चीज़ें एनिमेट फर्दर वो सब कुछ हो सकता है। तो ग्राफिकल डेटा भी बहुत इजी है, बस आपको डेटा पता होना चाहिए अपना। आप एलिमेंट्स में जाएंगे, आप चार्ट्स में जाएंगे, आप टाइप ऑफ ग्राफ सेलेक्ट करेंगे, उस ग्राफ के लाने के बाद आपको उसका डेटा टेबल आएगी ऑलरेडी, उस डेटा टेबल को आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप अपनी डेटा टेबल को इम्पोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और फर्दर कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे लेबल शो करना है, ग्रिड लाइन शो करनी है आपको, वो बेसिक एडिटिंग भी पॉसिबल है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो आई थिंक टाइम होने वाले से मैं एक और टूल भी बताना है, इसलिए अभी इस टूल के लिए कैनवा के लिए एनी अदर क्वेरी इज देयर, मैं इसे देख सकती हूँ मैम। ये इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा वो, अगर हाँ आपने लिखा है गूगल प्ले स्टोर से तो इसकी मोबाइल ऐप को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, बट कंप्यूटर लैपटॉप या टैबलेट पे इस्तेमाल के लिए आपसे इसका वेब वर्जन यूज करिए canva.com से। कैन वॉइस बी एडेड इन द प्रेजेंटेशन? यस मैम, जो भी ऑडियो फाइल है आप मोबाइल में रिकॉर्ड करें और उसके बाद उसको अपलोड कर दीजिए इसमें, तो ऑडियो फाइल भी ऐड हो सकती है इसमें। उसके बाद ओके रिपीट का मैं ग्राफ को मैम अभी रिपीट कर देती हूँ एक बारी और। ओके तो पंच सर ने बोला ऑलरेडी इंस्टॉल, यस सर वेरी नाइस आपने यूज किया है। मैम ये स्मार्टफोन के थ्रू एक्सेस हो सकते हैं, इसकी ऐप अवेलेबल है और मैम कैनवा प्रो आप देखिए प्राइसिंग प्लान है, अगर आप स्वप्निल सर अगर आप कैनवा प्रो यूज करना चाहते हैं वो आपकी विश है, आपको लगता है कि आप ऐसे यूज करना चाहते हैं, उसके फ्री वर्जन में बहुत सारे फीचर्स हैं, तो वी विल नॉट एनकरेज यू टू बाय फॉर एनी प्राइसिंग प्लान, बट इफ यू आर फ्रीक्वेंट इंफोग्राफिक्स आपको लगता है आपको बहुत सारी चीजें क्रिएट करनी है और बेटर। हेलो हेलो जी जी सर, स्वप्निल बात कर रहा हूँ। एज एजुकेटर्स हमें वो कैनवा का प्रो वर्जन फ्री में मिलता है। अच्छा आप बता रहे हैं मुझे। हाँ हाँ तो हमें अपना सिर्फ आई कार्ड ही अपलोड करना पड़ता है विद इन डे में, वो हमें प्रो वर्जन फ्री में अवेलेबल करवा देते हैं। ये सर क्या सबके लिए एप्लीकेबल है वर्ल्ड वाइड? आपने क्रॉस चेक कर लिया कि मैंने नहीं किया इसलिए मैंने नहीं? हाँ मैंने, हाँ एज एजुकेटर्स और एज ए टीचर सिर्फ आपको आई कार्ड ही आपका उसे अपलोड करना पड़ता है, उसके बाद वो एक दिन का समय लेते हैं वेरिफिकेशन के लिए। ओके तो उसके बाद वो आपको फ्री में यूज करना यानी कर सकते हैं फ्री में यूज। ओके तो जो हिडन जो टूल्स है वो भी हम यूज कर सकते हैं एज एजुकेटर्स। थैंक यू सर फॉर आई थिंक स्वप्निल सर इसके लिए हमें ऑफिशियल ईमेल आईडी भी चाहिए होता है, उसके बिना नहीं होता ना? कोई जरूरत नहीं पड़ती मैम। ओके ठीक है। उसको अपलोड कैसे करेंगे सर? किसे कैसे करेंगे? आई कार्ड को अपलोड, ये प्रोसेस बता दीजिए। हाँ सर वहाँ पे एक ऑप्शन होता है एज एजुकेटर्स करके, तो मैं उसके स्क्रीनशॉट वगैरह उसमें डाल दूंगा आपके इसमें, तो जो वो हमारे ईमेल के साथ अटैच होता है, तो आप वो उस इमेज से आप मोबाइल में एक्सेस ले लो, टैब में ले लो या फिर अपने पीसी में ले लो, तो वो सभी जगह में फ्री में यूज कर सकते हैं, जो भी
हिडन टूल्स है या प्रोफेशनल टूल्स है वो हमें फ्री में मिलती है। ओके सर। हाँ एक्सक्यूज मी मैम, एक क्वेश्चन मेरा था कि ये जो वीडियो जो यहाँ पर दिखा रहा है मैम, मेरे में वो वीडियो का ऑप्शन नहीं आ रहा है बल्कि इमेज का ऑप्शन आ रहा है। हाँ पर सर, जो लेफ्ट साइड में टूल बार है इसमें ये वाला वीडियो का ऑप्शन नहीं आ रहा आपका। नहीं, यहाँ पर इसके जगह पर इमेज का ऑप्शन आ रहा है, फोटो लिखा हुआ है। सर ऐसे तो नहीं कि आपने इसमें से सेलेक्ट किया और मोर में जाके यहाँ पे फोटोज? नहीं नहीं, कुछ नहीं सेलेक्ट किया मैम, नीचे में तो मेरा मोर नहीं आ रहा, एप्स लिखा हुआ आ रहा है, फेसबुक के बाद एप्स लिखा हुआ आ रहा है, फोटोज है, फिर इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, उसके बाद एप्स है लिखा हुआ, बाकी सारे ऑप्शन सही है। सर आपने वेब वर्जन पे लॉग इन हुए हैं सर आप? हाँ हाँ, वेब वर्जन ही है। नहीं मेरे में तो सेम आ रहा है सर, वीडियो वगैरह जैसा मैम बता रही हैं। तो मैं तो क्रोम में ही किया हूँ, क्रोम में ही लॉगिन किया हूँ। सर एलिमेंट्स में वीडियो और ऑडियो दोनों ही। जो फोटो फोटो लिख रहा है यहाँ पे वीडियोज के जगह पर, और नीचे में मोर ऑप्शन के जगह पर एप्स लिख रहा है, उसमें इसमें वीडियो का ऑप्शन है मोर करके। मोर में आ रहा है वीडियोस का ऑप्शन? हाँ मोर में आ रहा है, तो उसको क्लिक करके देखिए वीडियोस तो आ रही है ना। मोर में जो आ रहा है उसे क्लिक कीजिए, वो ऑटोमेटिक आपका साइड टूल बार पे आ जाएगा वीडियो। हाँ हाँ आ गया मैम, आ गया। सर वो एक्चुअली यूज जब करते हैं ना आ गया ना। हाँ वही जो क्लिक। हाँ ये इससे कुछ नहीं होता सर, ऊपर नीचे थोड़ी सी चीजें कई बार होती हैं, जो जो हम ज्यादा यूज करते हैं वो फ्रंट पे आ जाता है। ओके तो इसके बाद एक छोटा सा ब्रीफ मैम डॉक्टर मोनिका अभी मैं दे दूँ या टाइम देना है हैंड्स ऑन के लिए? गूगल साइट का कुछ ब्रीफ करूँ? आप ब्रीफ कर दो, वी विल सी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप पैरेलली जैसे आप एक्सप्लोर कर रहे हैं वो आप करते रहें, पर एज ए इन्फोग्राफिक आप एज होमवर्क इसको क्रिएट कर सकते हैं, और कोई क्वेरीज होंगी तो दीप्ति मैम बाद में भी हमें आंसर कर देंगी। मैम एक एक प्रश्न है हमारा। जी सर। ये जो इन्फोग्राफिक्स जो जो बनाना है मैम, और वो हम अपने सब्जेक्ट के स्पेसिफिक भी कोई टूल अवेलेबल है क्या नेट पे? जैसे मैं हिस्ट्री का टीचर हूँ, तो हिस्ट्री का कोई अगर टॉपिक क्लास 12 का मैं लेना चाहता हूँ तो कुछ कंटेंट उसमें ऑलरेडी जिसे मैं देखना चाहता हूँ तो वो मिल सकता है क्या? सर उसको सब्जेक्ट स्पेसिफाई ऐसे वेरी नहीं कर रखा, जो टेम्पलेट्स हैं उसके टाइटल्स को देख के या उसकी छोटी इमेजेस ऑब्जेक्ट्स को देखकर या एक लेआउट को देखकर आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग वो डेवलप कर सकते हैं, तो ऐसा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मतलब एक मैडम की कुछ ऐसे स्टेप का कोई नहीं है? हां सब वही मैं कह रही हूं, उसको देखकर सपोज आपको आपका जो भी कॉन्सेप्ट है आप उसको तो किस तरीके से प्रेजेंट करना है आपको, सपोज जैसे ये इसमें स्टेप वाइज दे रखा है या इसमें स्टेप वाइज या टाइमलाइन दे रखा है, तो हिस्ट्री का कोई टॉपिक है इसमें आपको टाइमलाइन बनानी है तो आप इसको पिक कर लीजिए, तो आपकी जो थीम्स या डिफरेंट टाइप ऑफ इंफोग्राफिक्स है उसमें प्रोसेस हो गया, कंपैरिजन हो गया, उस टाइप की चीजों को आप सर्च कर लेंगे टेम्पलेट को तो आपको आइडिया मिल जाएगा। जी सब्जेक्ट स्पेसिफिक ऐसे डिमार्केट नहीं किया हुआ इसमें टेम्पलेट्स को। ओके थैंक यू। इसके साथ साथ एक और इंफोग्राफिक टूल जो मैंने कहा था इजीली, अगर इजीली देखेंगे तो वो भी इसी तरीके से सेम लेआउट है, उसमें भी सेम चीजें हैं बिल्कुल, तो बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है, बस एक बेनिफिट मैंने बताया कैनवा का बेनिफिट है कि आप उसमें MP4 वर्जन में डाउनलोड कर सकते हैं जो कि इजीली में पॉसिबल नहीं है, तो कुछ लोगों ने अगर इजीली भी यूज किया हो तो उसमें भी इसी तरीके से रिसोर्सेज ऐड कर सकते हैं आप, अगर आपको लगता है एलिमेंट्स आइकन्स वगैरह उसी तरीके इसमें भी ऐड हो सकती है चीजें, टेक्स्ट भी, टेम्पलेट्स भी हैं इसमें, चार्ट्स भी हैं इसमें। जैसे सर बता रहे हैं कि आपका कैनवा में सिर्फ एजुकेशन के अंडर ही आपकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं तो जो आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ती है, बस इजीली में एक बेनिफिट ये है कि आपको वो जो थीम्स मैं कह रही हूँ टाइप ऑफ इंफोग्राफिक वो आप कैटेगरी वाइज और फर्दर सेलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे इजीली में आपको ये प्रोसेस, कंपैरिजन, फूड, सोशल मीडिया, हेल्थ रिपोर्ट इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। आई नहीं है मैम अभी, आज नहीं।
तो यहाँ पे आप देखेंगे जो आप कह रहे हो सर सब्जेक्ट वाला, तो सपोज साइंस का तो दे रखा है, तो इसमें इजीली में कुछ आप जो टाइप ऑफ इंफोग्राफिक है सपोज टाइमलाइन, तो आपको सिर्फ टाइमलाइन मिल जाएगा, तो इजीली में ऐसा फर्दर कैटेगराइजेशन दे रखा है इनके ड्रॉप डाउन में, सेम कैनवा की तरह है इजीली, तो उसमें आपको अगर ऐसे स्पेसिफिक कुछ ढूंढना है तो यू कैन सर्च फॉर दिस। इसमें थोड़ा सा और इसमें ये कि इसमें फ्री टेम्पलेट्स अभी काफी कम हो गई हैं, जैसे पहले इन्होंने बहुत सारी दी थी, तो अभी कैनवा का स्कोप ज्यादा है। अब जो अभी सर ने मुझे बताया, मैं नाम भूल गई सॉरी सर, आप एक सर ने बताया था अभी जो कैनवा में और वो दे रहे हैं एजुकेटर्स को, क्या सर आपने इजिली में भी एक्सप्लोर किया है कभी, तो आप देखिएगा एक्सप्लोर करके कि टीचर्स का यहाँ पर भी कुछ आईडी के साथ अगर हमें अकाउंट मिल जाए प्रो वर्जन वाला, तो उसके साथ साथ हाँ जी, इसके साथ एक और टूल है जो हमारा गूगल स्लाइड्स है जिसे हम यूज करते हैं, जो प्रेजेंटेशन जैसे बनी हुई है ये भी गूगल स्लाइड में बनी हुई है, तो गूगल स्लाइड भी अगेन इसके लिए हमें कोई अकाउंट नहीं, हमारे सब जीमेल अकाउंट के साथ एसोसिएटेड होता है, आप सबके पास जीमेल आईडी होगा। हाँ जी मैम, एक्सेल पे भी बना सकती हूँ। एक्सेल पे मैम क्या बनाना है आपको, या एक्सेल का डेटा लाना है यहाँ पर? जी मैम जी बिल्कुल, आपको इसमें जो गूगल ड्राइव का डेटा आएगा वो गूगल शीट के थ्रू आएगा मैम, ठीक है, आपका एक्सेल का डेटा आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा वो जो टेबल आ रही थी ना उसमें। ओके मैम ओके, आई होप आपको गूगल शीट आता होगा। जी मैम है ना, गूगल शीट का डेटा इम्पोर्ट हो जाता है मैम सीधा इस पे, मैं आपको करके भी दिखाई थी उसमें, इतनी देर में मैं एक बार दिखा देती हूँ मैम के हम लोग सपोज हमारा एक ग्राफ था ये वाला, इसको नीचे ले आती हूँ जरा, इसमें आप देखेंगे यहाँ गूगल शीट्स है, गूगल शीट को आपसे एक्सेस मांगेगा आपके कौन से वाले अकाउंट से एक्सेस चाहिए, आपको उसे अलाउ करना पड़ेगा, उसके बाद वो आपका डेटा इसमें इंपोर्ट हो जाएगा। मैम डेटा कहाँ से आएगा? आपकी गूगल शीट से आएगा मैम। ओके, दो चीजें आ रही है ना, अपलोड योर सीएसवी, आपकी सीएसवी या जो सीएसवी फाइल है वो अपलोड कर दीजिए आप, मेरे पास अभी इस पर सीएसवी फाइल कोई है नहीं, या आपकी गूगल शीट से डेटा इंपोर्ट हो जाएगा, दो तरीके से हो जाएगा आपका। ओके ओके, तो उसके साथ साथ एक और टूल है जो की अगेन इंफोग्राफिक के लिए, ग्राफिक ऑर्गेनाइज करने के लिए, ग्राफिक रिसोर्सेज बनाने के लिए हेल्प हो सकता है, जो की गूगल स्लाइड। आप सबके पास जीमेल अकाउंट है और जीमेल अकाउंट के साथ आप सबने गूगल ड्राइव यूज किया होगा, तो गूगल ड्राइव में जब भी आप कोई गूगल डॉक बनाते हैं, शीट बनाते हैं, यहाँ पे गूगल स्लाइड की भी ऑप्शन आ रही होती है, तो आप गूगल स्लाइड की ऑप्शन क्लिक करेंगे तो जैसे कि आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होती है सेम ही तरीके से आपकी गूगल स्लाइड होती है, जो कि एक कोलाबोरेटिव प्रेजेंटेशन बनाने के लिए टूल है, अगेन जीमेल के साथ वो फ्रीली अवेलेबल है, तो आप ये देखें मेरी जो प्रेजेंटेशन बनी हुई है ये गूगल स्लाइड्स पे ही बनी हुई है पूरी प्रेजेंटेशन, और इस प्रेजेंटेशन में भी आपने देखा होगा टेक्स्ट के अलावा मैंने इमेजेस भी ऐड करी हैं, और मैंने एक छोटा सा आपको अभी दिखा देती हूँ, ये सब कुछ मैंने इसमें ऐड करके ही बनाया है, इसके बेनिफिट मैं बताती हूँ दो, वैसे सेम है जैसे आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं, सपोज एनिमेशन भी आपने करना है तो लास्ट में इसका एनिमेशन, छोटा सा एनिमेशन भी इसमें, मतलब एनिमेशन सब प्रेजेंटेशन से कर सकता है, इसमें भी एक एनिमेशन, कोई स्मॉल सा एनिमेशन बस मैंने ऐसे बिल्कुल ही सिंपल सा बनाया है, तो आपने एक स्मॉल एनिमेशन डाल दिया है, तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की तरह जैसे उसमें एनिमेशन डालते हैं ऐसे गूगल स्लाइड में भी डाल सकते हैं, सपोज ये एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन है और मैंने एक बेनिफिट बताती हूँ, सपोज प्रेजेंटेशन आपको बनानी आती है सबको, और मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैंने दो स्लाइड्स बनाई हैं और इसमें दोनों में टाइटल्स दिए हैं, इसमें भी सेम तरीके से आप चीज़ों को एडिट कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, इसकी टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये डिफरेंट टेम्पलेट्स आपको डिजाइंस गिवन हैं, ठीक है, इसके साथ साथ सपोज इन टेम्पलेट्स में अगर आप सेटिस्फाई नहीं हैं और आपको एक अच्छा इंफोग्राफिक बनाना है तो गूगल स्लाइड्स के एक ऑप्शन आती है स्लाइड्स गो, जो हमें गूगल स्लाइड्स की थीम्स प्रोवाइड करता है, और ये थीम्स से बहुत सारी एट्रैक्टिव प्रेजेंटेशंस और इंफोग्राफिक बनाई जा सकती हैं, आपको सिर्फ सर्च करना है अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो मैंने कुछ सैंपल भी रखे हुए हैं, मैं आपको इसकी लिंक जल्दी क्लिक करके दिखा दी ताकि वो, सपोज आपको टाइमलाइंस बनानी है तो टाइमलाइन के लिए गूगल स्लाइड की स्लाइड्स को पे एक प्रेजेंटेशन बनी हुई है,
या थी, मतलब आपको स्लाइड्स की ऑप्शन दी हुई है, टाइमलाइन, इंफोग्राफिक दिया हुआ है। ये जो आपको दिख रहे हैं सारी टाइमलाइन के लिए, टाइमलाइन के डिफरेंट प्रेजेंटेशन बदली रखी है, और आप गूगल स्लाइड्स go.com खोलेंगे, आप उसमें टाइमलाइन सर्च करेंगे, आप टाइमलाइन इंफोग्राफिक में आपको इतनी सारी एक ही प्रेजेंटेशन के अंदर टाइमलाइन के डिफरेंट तरीके दिखेंगे, और आप इसको गूगल स्लाइड्स में ओपन। मैम टैबलू पे भी यूज कर सकते हैं ना? जी मैम, टैबलू पे भी बना सकते हैं ना? यस मैम, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देखेंगे अगर आपको टाइमलाइन बनाना है, टाइमलाइन इंफोग्राफिक, तो ये सारी जो स्लाइड्स हैं, ये अगर मैं बोल रही हूँ ये 31 स्लाइड्स हैं, ये सारी ही टाइमलाइन इंफोग्राफिक है। तो आपको किसी भी तरीके की टाइमलाइन बनानी है, आप सोच सकते हैं 30 टाइमलाइन के इंफोग्राफिक आप बना सकते हैं सिर्फ एक ही स्लाइड से। और जब ये आप गूगल स्लाइड पे ओपन कर लेते हैं, आप इसको कहीं भी एडिट कर सकते हैं। आपने एडिट किया, इसका कलर चेंज किया, अपना टेक्स्ट डाला, इसके साथ साथ कोई भी इमेज को अगर इंसर्ट करना है, सपोज आप इंसर्ट कर रहे हैं, आपको आपको इंसर्ट अपने अपलोड कंप्यूटर से अपलोड करनी है कोई इमेज, तो आपने उसको अपलोड कर दिया और वो इमेज यहाँ पर इंसर्ट में अपलोड करेंगे अपनी कोई भी इमेज, ये इमेज भी अपलोड हो गई है। तो आपको अगर दिखाना है स्टेप वन ये है, आप इस इमेज को यहाँ पे डाल दीजिए। उसी तरीके से आप इसमें अगेन वीडियोस ऑडियोस आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, आप शेप्स इंसर्ट कर सकते हैं, सपोज कॉल आउट है कोई कॉमिक फॉर्म में कोई बनाना है कुछ, वो कर सकते हैं, इसमें भी चार्ट्स और डायग्राम कर सकते हैं। इसका एक बेनिफिट गूगल स्लाइड का ये भी होता है, एक तो ये हो गया कि गूगल स्लाइड्स में प्रेजेंटेशन या इंफोग्राफिक बनाने का बेनिफिट कि आप इसको कोलैबोरेटिवली यूज कर रहे हैं, बट साथ में अगर आपको डेटा प्रेजेंटेशन जो उसमें बताई थी, आप अगर सपोज आपको इसमें भी इंसर्ट करना है कोई डेटा, तो आप इसमें जब अपनी कोई भी चार्ट डालते हैं अपनी ही डेटा से गूगल शीट से, तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। इसका बेनिफिट है क्योंकि हम लोग जब ऑफिशियल प्रेजेंटेशन करते हैं और हमें कोई भी डेटा मांगा जाता है, तो मेरी गूगल स्लाइड पे इतने सारे डेटा ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो मैंने सपोज ये वाला क्लिक करके इसे इम्पोर्ट किया। अब आप जब देखेंगे डेटा मेरा जो ऑलरेडी मैंने एक ग्राफ बना रखा है अपनी गूगल शीट पे, मेरी गूगल ड्राइव पे है, मैं अपनी गूगल स्लाइड में लेकर आ गई। तो आप लोगों ने कभी कोई प्रेजेंटेशन बनानी, इसमें हर रोज या हर हफ्ते या मंथली बेसिस पे आपको बोला जाता है कि कोई डेटा अपडेट करिए और उसका ग्राफ प्रेजेंट करिए, तो आप हर बारी ग्राफ बनाएंगे और वो कॉपी पेस्ट करेंगे गूगल स्लाइड पे। जब आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो उसमें क्या होगा, वो डेटा लिंक हो जाता है आपकी गूगल शीट से। तो यहाँ पे जो आइकन आता है ये लिंक हो जाता है आपका चार्ट से, ओरिजिनल सोर्स जो है आपका गूगल ड्राइव का। और जब इसमें आप कोई भी चेंज करेंगे डेटा में, यहाँ पे ऑप्शन आएगा अपडेट, तो आप उसको क्लिक कर देंगे, ये डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो गूगल स्लाइड में डेटा डालने से बहुत बेनिफिट होगा कि एवरी टाइम द डेटा और द ग्राफ ग्राफ इज अपडेटेड ऑन द बेसिस ऑफ योर डेटा अपडेशन, और आप उसे इजीली अपडेट करें, तो हर बार ही आपको प्रेजेंटेशन अपडेट करने की जरूरत नहीं है या ग्राफ को कॉपी पेस्ट मारने की जरूरत नहीं है। इसका एक ये मेरे बेनिफिट है। दूसरा एक बेनिफिट है इसमें एक एडवांस वर्जन भी, कि आप क्या करते हैं, सपोज एक पीपीटी बनाते हैं तो उसमें हर बार टाइटल टीवी वाले टाइटल होता है हर एक स्लाइड का, हर बार स्लाइड का आप देखेंगे आपको कलर सेम रखना है। ठीक है, मैंने नेक्स्ट स्लाइड बनाई, यहाँ पे मैंने कुछ और सपोज एनीथिंग मैं अभी डाल देती हूँ, सपोज ऐसे ही डाल दिया मैंने वर्ड। अब मुझे इस सबके टाइटल को एक जैसा कलर देना है, एक जैसा फॉन्ट देना है, तो इसके लिए आप स्लाइड में जाके एडिट थीम करेंगे, और यहाँ पे आप जो भी चेंज करते हैं वो चेंज एप्लीकेबल होगा सारी स्लाइड्स में। सपोज मैंने इसका कलर चेंज, इसका फॉन्ट साइज बढ़ा दिया और इसका कलर कर दिया रेड, इसको बोल्ड कर दिया, आप देखेंगे जो नीचे वाली सारी स्लाइड्स हैं इसमें भी सेम चीज एप्लीकेबल हो गई है। तो जब मैं इसको क्लोज करती हूँ तो मेरी हर एक स्लाइड में ऑटोमेटिकली वही फॉन्ट साइज, वही कलर, वो चेंज हो जाएगा। तो इससे हमारा बहुत टाइम सेव होता है, जब भी हम प्रेजेंटेशंस में अपनी सब सेंटर में लाके उसको सेंटर में ला रहे हैं, उसका कलर चेंज कर रहे हैं, फिर देखते हैं अच्छा ऊपर वाली स्लाइड में कौन सा फॉन्ट साइज था, इसमें भी सेम रखना पड़ेगा, कौन सा फॉन्ट साइज था इसमें भी सेम करना पड़ेगा। मैडम रिपीट repeat again. जी सर, आई एम रिपीटिंग। आप सबने अपने सब में टाइटल डाल लिया, आप स्लाइड्स में गए,
इसमें ऑप्शन आता है एडिट थीम, और उसमें जो फर्स्ट स्लाइड है दिस वन थीम वाली, इसमें जो भी आपको चेंज करना है सारी स्लाइड्स में आप उसमें वो चेंज कर दीजिए। सपोज मुझे इसका फॉन्ट स्टाइल कैलिब्री करना है, कैलिब्री हो गया, इसको मुझे बोल्ड इटैलिक करना है, या इसके ऐसे कलर चेंज करना है सपोज ब्लू, तो यू विल सी यहाँ पे मैंने ब्लू किया तो ये देखेंगे सभी लेआउट्स में सारे में ब्लू कलर हो गया, तो इसका मतलब इस फुल प्रेजेंटेशन में ये एप्लीकेबल हो जाएगा। आई विल जस्ट क्लोज इट आफ्टर चेंजिंग माई थिंग्स टू बी डन, तो आप देखेंगे ट्रेनिंग हो गया, आईसीटी भी इटैलिक्स में हो गया, इनपुट भी इटैलिक्स में हो गया, और सबका कलर ब्लू हो गया है। तो एवरी टाइटल ऑफ एवरी स्लाइड विल बी ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट चेंज्ड, जो भी मैंने मास्टर स्लाइड में चेंज किया है, तो इसको हम मास्टर स्लाइड भी बोल सकते हैं। अगेन आई मीन स्लाइड में जाके एडिट थीम में जाएंगे आप, अगर इसमें कोई चेंज करना है लेवल्स में इसको भी आप चेंज कर सकते हैं अगर आपके स्लाइड में डिफरेंट लेवल्स हैं, तो जो आप चेंज अपनी मास्टर स्लाइड में कर देंगे ये बाय डिफॉल्ट आपका सेव हो जाता है। आप अगर आप इसमें देख ही रहे हैं सब में आ चुका है चेंज। एक ही बेनिफिट इसका ये है, स्मॉल एनिमेशंस के लिए भी मैं आपको जो मैंने अभी एक एनिमेशन किया था, तो आप इसमें अगर कोई इंसर्ट करते हैं इमेज या आप सर्च फ्रॉम वेब करते हैं, तो गूगल स्लाइड का एक बेनिफिट है गूगल में ही हम सब कुछ सर्च करते हैं, तो ये इसके साथ एसोसिएट होता है गूगल अकाउंट के साथ गूगल, तो आपको इसी में ही कोई कैरेक्टर चाहिए, इसमें डायरेक्ट आप सर्च करिए यहाँ पे कोई इमेजेस, ठीक है, जो भी इमेजेस होंगी वो सर्च होके आपके पास आएंगी, सपोज जो एनी डॉग आई कैन टेक, ठीक है, इसको इंसर्ट किया, ये डॉग की इमेज यहाँ पे आ गई है, कोई भी ऑब्जेक्ट को आप डायरेक्ट गूगल, अगर आपके पास कंप्यूटर में नहीं है तो यू कैन सर्च आउट एनीथिंग और इसको फिर एनिमेट कर देंगे आप, जैसे मैंने अभी ये बताया था आपको रॉकेट में कि एनिमेट के लिए आपने इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, इट विल कम हियर ऐड एनिमेशन। अब इसमें कौन से टाइप का एनिमेशन चाहिए, मुझे डिसअपीयर चाहिए, फेड इन फेड आउट, या फ्लाई फ्रॉम राइट, ठीक है, और इसकी स्पीड को हम वेरी कर सकते हैं, स्लोली आएगा वो, इसको मैं प्ले करके देखूंगी, ठीक है, तो फर्स्ट एनिमेशन ये हो गया। इसी में और एनिमेशन डालना है, इसको स्टॉप करके इसी डॉग में इसमें कोई और एनिमेशन डालना है, तो फ्लाई फ्रॉम टॉप, इसकी स्पीड को वेरी कर सकते हैं, और पहले क्लिक पे आया था, अब पहले होने के बाद नेक्स्ट पे आएगा ये, तो पहला एनिमेशन में पहले क्लिक में आया, उसके बाद दूसरा एनिमेशन था फ्लाई फ्रॉम राइट, इधर से आया, तो स्टेप वाइज आप एनिमेशन डाल सकते हैं एक 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 ही कैरेक्टर पे या डिफरेंट कैरेक्टर्स में, सपोज दो कैरेक्टर्स आप जो बनाते हैं डिफरेंट, जैसे कॉमिक फॉर्म में दो कैरेक्टर आए उनके ऊपर डायलॉग बॉक्स आया, तो आपको उसके लिए क्या करना है, डायलॉग बॉक्स लाना है, तो इस वर्ड में जाके आप कॉल आउट में चले जाइए, सपोज शेप में कॉल आउट, मतलब वो उस डॉग ने कुछ बोला, दो कैरेक्टर्स आए उनके यहाँ पे डायलॉग आ गया, डायलॉग बोला उसके बाद फिर वो बात करी फिर वो चले गए, तो एक स्टोरी लाइन, एक छोटा सा एनिमेशन आप खुद क्रिएट कर सकते हैं, छोटी सी स्टोरीज, तो जब इसको आप प्ले करेंगे तो स्लाइड शो में जाएंगे तो बहुत ही अट्रैक्टिव रहेगा, वो इटसेल्फ भी एक इंफोग्राफिक बन जाएगा, एनिमेटेड इंफोग्राफिक, तो छोटे बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, एटलीस्ट प्राइमरी क्लासेस के लिए, तो आप छोटी सी एनिमेटेड स्टोरीज क्रिएट कर सकते हैं, और सेम चीज़ें हैं जो पावर पॉइंट में भी आपने यूज की है, और इसमें कुछ बेनिफिट यही है। इसका एक मेजर बेनिफिट एक और है जो तो मैंने कहा ये टाइटल चेंज करने का, दूसरा आप इसको साइज कर सकते हैं रीसाइज, तो इसमें अभी सपोज ये बाय डिफॉल्ट आपको ये साइज मिल रहा है, आप इसको कस्टम कर सकते हैं, तो आपको अगर लंबा लेआउट चाहिए 10x10 या A4 साइज का अगर आपको पता हो, तो देखिए लेआउट भी चेंज हो गया है, मैं इसको दिखाती हूँ, इसका स्लाइड का लेआउट चेंज हो गया, तो आप इसका कस्टमाइज कर सकते हैं साइज को, पेज सेटअप पे जाके जैसे आप प्रिंट आउट निकालते हैं तो आप चेंज करते हैं साइज का, आप देखिए न्यूज़लेटर की फॉर्म में, पोस्टर की फॉर्म में आप अपना साइज सेलेक्ट करिए, और उसके अकॉर्डिंग चीजें करने के बाद जब प्रिंट आउट निकालेंगे तो वो पिक्सेलेट भी नहीं होगा। तो बाकी कुछ और चीज जो अगर आपने गूगल स्लाइड कभी यूज नहीं किया तो गूगल स्लाइड पे ही रादर देन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जिसमें आपको बार बार इमेजेस को सर्च करके डाउनलोड करके या कॉपी पेस्ट करते हैं आप गूगल से,
इसमें बाय डिफॉल्ट आप गूगल के साथ एसोसिएट होते हैं और आप इमेजेस को सर्च कर सकते हैं वेब से। ये कोलैबोरेटिव टूल है, जैसे कि उसमें भी हम शेयर करते हैं इसी तरीके से इसमें भी शेयर करते हैं, और शेयर करने की रेस्ट्रिक्शन भी है। अगर लिंक आपने दिया है तो आपने, जैसे मैम ने कहा था कोई एडिट ना कर पाए, तो व्यूअर कमेंटर और एडिटर के साथ आप शेयर करें, लिंक को कॉपी करें, पब्लिकली शेयर होगी, URL आपके पास मिल जाएगा आपको, और आप कोलैबोरेटिवली दो तीन लोग मिलके भी आप इसके थ्रू भी बहुत अच्छा इंफोग्राफिक क्रिएट कर सकते हैं। तो अपनी प्रेजेंटेशन स्पेशली आप इसके थ्रू बनाएंगे तो बहुत ईजी होगा। डेटा प्रेजेंटेशन जैसे मैंने कहा कि वो बहुत ईजी है, इसमें आपका डेटा ऑटोमेटिकली ग्राफ आपका अपडेट होता रहेगा, बस आपको एक बार ही अपना लिंक करना है गूगल शीट का डेटा इसमें, तो एवरी टाइम इट विल बी अपडेटेड व्हेन यू जस्ट क्लिक अप। फॉर एग्जाम्पल हमारी कुछ ऑफिशियली प्रेजेंटेशन है, उसमें डेटा हर बार ही मंथली डेली बेसिस पे जाएगा, मैं जस्ट उसको रिफ्रेश कर देती हूँ, अपडेट कर देती हूँ, वो डेटा जो ग्राफ है अपने आप अपडेट होके डेटा अपडेट हो जाता है उस ग्राफ में। तो दीज आर सम बेनिफिट्स। बाकी इसके रिगार्डिंग कोई और क्वेश्चन है तो भी आप। मैम ये जो आपने स्लाइड्स को से बताया कि उससे हम इंपोर्ट कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे? मैम समझ नहीं आ रहा, मतलब इससे कैसे वो इंपोर्ट कर पाएंगे? डेटा की बात कर रहे हैं सर? जी मैम, डेटा या वहाँ पे जो थीम है उसकी भी मैं बात कर रहा हूँ, कि जो आपने बताया था ना कि स्लाइड्स गो से हम इंपोर्ट कर सकते हैं। जी सर, आपसे स्लाइड्स गो पे, जैसे ये स्लाइड्स गो वेबसाइट है, मैंने इसमें सर्च किया सपोज टाइमलाइन, ठीक है, टाइमलाइन से रिलेटेड जितनी भी प्रेजेंटेशंस, इसमें भी प्रो और उसका आपको देखना है, जैसे प्रीमियम है दैट आर द पेड वन, ठीक है, तो सपोज ये नहीं है, आपने इसको क्लिक किया, ये वाली प्रेजेंटेशन है, इसमें दो ऑप्शन आती है, या तो आप इसको पावरपॉइंट में डाउनलोड कर लीजिए, एमएस पावरपॉइंट या गूगल स्लाइड। आप, मैंने अकाउंट अपना लॉगिन किया हुआ ऑलरेडी, अगर आप लॉगिन नहीं करेंगे तो वो लॉगिन करने के लिए बोलेगा, और आपको सिर्फ गूगल स्लाइड पे क्लिक करना है, वो टेम्पलेट ओपन, उसके बाद उसकी कॉपी बना देगा, और ये कॉपी आपके गूगल ड्राइव पे बन जाएगी क्योंकि आपने गूगल अकाउंट के साथ इसे लॉगिन किया हुआ है। तो अगर मैं अपनी ड्राइव को रिफ्रेश करूँ तो देखिए मैंने अभी इसको ओपन किया था और ये मेरे उसमें आ गई है ड्राइव पे, तो ये कॉपी आपके पास सेव रहेगी आपकी टाइमलाइन की, तो आपकी ड्राइव पे सेव है, आप इसे कभी भी एडिट कर सकते हैं। आपको ये वाली स्लाइड पसंद आ रही है तो आप अपनी प्रेजेंटेशन में इसको कॉपी करके, सपोज मैंने सैम्पल बनाई थी, आप इसमें पेस्ट कर दीजिए, तो ये टाइमलाइन आपकी प्रेजेंटेशन में आ गई, आप इसको एडिट कर सकते हैं। ये इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि मैंने पोस्ट कर, थोड़ा लेआउट थोड़ा ऐसा लग रहा है आपको क्योंकि मैंने इसका लेआउट चेंज कर दिया था, तो सिर्फ आपको कॉपी बनानी है, एंड बट विच एवर टाइमलाइन यू आर अच्छी लग रही है जो भी आपको, सिर्फ आपको उसको सेलेक्ट करके उसकी कंट्रोल सी कॉपी एंड अपनी वाली प्रेजेंटेशन में, सपोज यही मेरी प्रेजेंटेशन है, इसी में मैं गई और मैंने इसको कॉपी कर दी, पेस्ट कर दिया, ये टाइमलाइन यहाँ पर आ, उसके बाद मैं इसको एडिट कर सकती हूँ। जी मैम समझ गया मैम। एनी अदर क्वेश्चन? I have a question now. Now many times when we do these slides and all, especially during the pandemic period, I had a problem of selecting the color of the font for the slides, especially when you're showing so many types of, you know, slides with pictures of multi-colored, and all, which will be the ideal color for a font for a PPT or any other this one program that we are going to make. So the ideal color will be the background should be of the light color if you are selecting, और जो भी text आप उसके ऊपर represent कर रहे हैं वो dark color का हो तो better रहेगा। I will not suggest any ideal color, but mostly the shades of the blue and black are suggested to be for the titles and all, ठीक है, and उसके लिए बात मतलब और हम जो यूज करते हैं, आप देखिए ब्लू और ब्लैक का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो आई विल नॉट सजेस्ट एनी कोई आइडियल कलर नहीं है, डिपेंडिंग कि आप, और ये भी डिपेंड करेगा कि आपके स्टूडेंट्स किस लेवल पे हैं, जैसे प्राइमरी स्टूडेंट्स आर लाइकिंग द मोर ब्राइटर कलर्स, तो सपोज जैसे मैंने एनिमेशन वाला बनाया तो आई सेलेक्टेड द ये ब्लू, बहुत ब्राइट सा ब्लू सेलेक्ट किया मैंने क्योंकि वो उनको अट्रैक्टिव लगेगा, और मैंने सेलेक्ट किया है जो एरोप्लेन सेलेक्ट किया है ये एनिमेटेड वाला सेलेक्ट किया, तो अगर मैं नॉर्मल एरोप्लेन दिखाती तो वो उसको अट्रैक्ट नहीं करता, तो एनिमेटेड थिंग्स, तो जो लेवल ऑफ स्टूडेंट्स है उसके अकॉर्डिंग कलर भी मुझे लगता है चेंज होना चाहिए। हम एक एज लेवल के अकॉर्डिंग आपका मोर ऑफ लाइक सिंपल हम जाते हैं कि टेक्सचर जो भी ग्राफिक यूज कर रहे हैं
वो रियलिटी के क्लोज हो रादर देन दिस एनिमेटेड थिंग्स, तो ये इस पे भी वेरी करेगा. बट हाँ, ब्लू एंड ब्लैक फॉर द टाइटल्स वी रिकमेंड ब्लू ब्लैक के जो शेड्स हैं. दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, आई विल नॉट से मतलब इसमें कुछ ऐसा फिक्स नहीं कहेंगे, दिस इज माय पर्सनल जो मैं प्रेफर यूज करती हूँ तो यही करती हूँ प्रेफरेबली. Dr. Deepthi, we have a question in the chat box. How will we be able to insert mathematical expression in the slides? Okay. Mathematical expressions. इसमें equation के symbols हैं मैम. Insert में जाकर shapes में equations. Mathematical expressions में और तो हम लोग जैसे typing we use to type the mathematical. पर्टिकुलर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर लेना है इसको हम बड़ा साइज का करना है तो इस तरीके से वो ऐड हो जाएगा. आई गोइंग टू इंसर्ट देन शेप देन लास्ट में इक्वेशन, तो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इक्वल टू एंड द ब्रैकेट्स आर गिवन. बट इफ यू वांट टू सिंपल लाइक कुछ टाइप करना है तो मैम आप टाइप कर सकते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो भी मतलब जिसका भी क्वेश्चन है, तो उसके लिए तो हम कीबोर्ड का यूज करते हैं सर, वैसे ही होगा. I think it's clear. Hello, excuse me, ma'am. Hello, ma'am. Sir, I'm able to hear. Yes, sir. Ma'am, my name is Arjun Paul. How can we use this in languages? For example, my subject is Marathi, or I'm from Goa. Marathi, Kokani, simultaneously, and Hindi. Three languages are going over here. So how can we use this in languages? You want to make the infographic on your particular language or aap languages ko teach karne ke liye pooch rahe hain, like you want to ask about the educational usage of this particular tool, like infographics ka use aap ko marathi ko padhane ke liye kaise kare ye pooch rahe hain, ya aap marathi mein infographic banana chahte hain? Marathi mein main. मराठी मतलब मराठी, हिंदी और कोंकणी, ये तीनों लैंग्वेजेस में हम ज्यादातर देवनागरी का इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसके हिसाब से मतलब उसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं? तो हिंदी में मैंने जो भी इंफोग्राफिक आपको क्रिएट करना है डिफरेंट लैंग्वेजेस, यू कैन यूज द गूगल इनपुट टूल्स एंड यू कैन सेलेक्ट द पर्टिकुलर लैंग्वेज. सपोज यू आर आई एम सेलेक्टेड हिंदी, अब आप अगर मराठी कह रहे हैं तो मुझे मराठी का कोई वर्ड बताएंगे, आई एम सेलेक्टेड मराठी, तो आप मुझे कोई मराठी का वर्ड बोलिए तो मैं उसे टाइप करके देख सकती हूँ. कुछ बताइए सर वर्ड. आज. आज नहीं तो हिंदी में आ गया, मतलब आज को मराठी में क्या बोलते हैं? आज को मराठी में आज ही बोलते हैं, जैसे आज हम उच्चारण करते समय हम जो ज बोलते हैं हम उसको मराठी में ज बोलते हैं. सर आपने दो डिवाइस से लॉगिन किया, अर्जुन सर आपने दो डिवाइस से लॉगिन किया है क्या? तो मतलब मैंने फर्स्ट टाइम वो ये वेब और इसके तरफ से किया है, मतलब मोबाइल और लैपटॉप के. तो एक का ऑडियो बंद कर दीजिए, मतलब ऑडियो आउट कर दीजिए. जी हाँ मैम. हाँ सर, जैसे मैंने अभी आज टाइप किया तो ये आज यहाँ पर आ गया है, ठीक है. अगर आप कह रहे हैं कोई ऐसा वर्ड जो मराठी में को डिफरेंट बोलते हैं आपको, मतलब आपको सिर्फ इंग्लिश में वो टाइप करना है, बिकॉज आपको उसको टाइपिंग कीबोर्ड में इंग्लिश की कीज है. तो मैं कह रही हूँ गूगल इनपुट का टूल, अगर आप सपोज मैं अगर इसमें सपोज मराठी के अलावा अगर मैं बोल रही हूँ मुझे उर्दू नहीं आती है, तो अगर मैं उर्दू में कर रही हूँ और उर्दू में ही दिसंबर टाइप किया तो ये ऑप्शन उसमें आ रही है. इफ़ आई एम नॉट, वैसे तो मैं उर्दू पर्सन नहीं, बट अगर मैं ये टाइपिंग करके किसी उर्दू पर्सन को देती हूँ तो ही विल एबल टू बेटर रिकग्नाइज कि ठीक है कि नहीं. तो सपोज मेरा फर्स्ट ऑप्शन ऑलवेज मोस्टली करेक्ट होता है तो मैंने इसको टाइप इसको क्लिक कर दिया, तो दिसंबर को उर्दू में ये बोल रहे हैं. तो उसी तरीके से अगर आप मराठी बोल रहे हैं तो मराठी में आप जैसे आज बोल रहे हैं कोई और वर्ड बोलिए तो वो उस तरीके से उसको ट्रांसलेट करके वो ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगा. तो आप बिल्कुल सही है, दिसंबर बिल्कुल सही लिखा हुआ है मैम. ओके ओके सर, तो कोई भी लैंग्वेज को आप उसी तरीके से अभी जैसे मराठी मैंने सेलेक्ट कर लिया है, पर आप वर्ड बताइए आज को आज ही बोल रहे हैं तो फिर वो इसी तरीके से लिखा जा रहा है. कोई और वर्ड जो डिफरेंट तरीके से लिखा जाता हो, मुझे मराठी नहीं आती सर, सॉरी.
अब दिसंबर को मराठी में क्या ऐसा ऐसा कुछ बोलते हैं? एक एक एक, एक वाक्य लिखिए ना कि मैं जा रहा हूँ, मराठी में कैसे लिखेगा? मराठी में कैसे लिखेगा मैं, तो मैं में मराठी में कैसे बोलते हैं? माई, अंग्रेजी में आई एम गोइंग मेन बोलते हैं, क्या बोलेंगे मराठी में? मी बोलते मी 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 जात आहे, जात आहे, जात। अंग्रेजी में एक वाक्य लिखिए उसको मराठी में क्या आता है? यहाँ मराठी आहे आहे ये वाला मैम? नहीं नहीं वो डबल हे है ना, एक ही है। हाँ बरोबर, ठीक है ठीक है। आपको मतलब इंग्लिश की जो वर्ड आप टाइपिंग कर रहे हैं, जो वर्ड्स आप फ्रेम कर रहे हैं, तो बस उसमें आपको थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल भी हो जाता है कभी कभी। जैसे मैंने आहे लिखते हुए किया, तो आपको अगर वो शब्द पता है तो टाइपिंग हो जाएगी फिर सर। और आपको खुद, क्योंकि आपको भाषा आती है तो आपको पता है कि उसमें करेक्ट चीज क्या होगी। तो हमारा मतलब यहाँ पे रहके मोस्टली सारा काम हिंदी में होता है, इंग्लिश हम सब जानते हैं तो हम हिंदी में इसी तरीके से करते हैं। तो आप मराठी में भी कर सकते हैं, किसी और भाषा में भी कर सकते हैं। और इसका एक बेनिफिट ये है, ये सर ये सब यूनिकोड है, तो आप जब इस फाइनली ये प्रेजेंटेशन बनने के बाद भी आप इसे डाउनलोड करते हैं अपने PPT फॉर्म में, PDF फॉर्म में, ये इसका फॉन्ट नहीं चेंज होगा। तो दिस इज बेनिफिट ऑफ गूगल स्लाइड कि आपको उसी फॉन्ट में ही वो डाउनलोड होगा। तो आप कभी भी किसी डिवाइस पे, किसी भी सॉफ्टवेयर में जब इसे ओपन करेंगे तो वो उसी भाषा में रहेगा, वो चेंज नहीं होगा सर। मतलब हम बाकी जगह कहते हैं ना, हिंदी का करा मंगल फॉन्ट है, कृति फॉन्ट है, ये फॉन्ट है कि नहीं, तो वो नहीं ओपन होता, तो हमें उस कंप्यूटर में डालना पड़ता है वो फॉन्ट पहले। तो गूगल इनपुट टूल से यूनिकोड में होगा तो उसका बेनिफिट रहेगा कि कभी फॉन्ट नहीं चेंज होने वाला। एक्सक्यूज मैम। जी सर। हेलो। जी सर बोलिए सर। मैम आई हैव अ क्वेश्चन। एक्चुअली मैथ्स एंड फिजिक्स में कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस आते हैं मैथमेटिकल ऐड करने के लिए, जो सिंपल स्लाइड में ऐड करने का तो आपने बता दिया मैम। कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस जो आते हैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वगैरह का या फॉर्मूले वगैरह, तो उनको ऐड करने का कोई ऑप्शन यहाँ पे है? सर आई हैवंट एक्सप्लोर्ड दैट, बट मुझे लगता है कि उसमें अगर उसके जो इमेजेस और वो सब हैं, मैंने एक्सप्लोर नहीं किया वैसे बताऊं तो। आप अगर उसको डाउनलोड करके इमेज की तरह करेंगे तो वो टाइम लगेगा है ना, वो तो फिर बड़ा आ जाएगा। आई हैव टू एक्सप्लोर मे बी उसके लिए सर कोई एड ऑन कर सकते हैं आप, क्योंकि एक्सटेंशंस बहुत सारे गूगल हमें प्रोवाइड करता है, तो आप रैंडम गूगल पे कुछ एक्सप्लोर करके देखिए कोई एड ऑन। एड ऑन आई होप। हाँ मैडम, वो जो है ना इक्वेशन सब वो एड ऑन से ही होते हैं, ऐसे तो उसमें कोई फैसिलिटी ऊपर ये नहीं है अवेलेबल। हाँ तो कोई एड ऑन आप पहले गूगल पे एक्सप्लोर करिए कौन सा एड ऑन है, और वो एड ऑन इक्वेशन मैथमेटिकल इक्वेशन एक है उसमें, एक लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की MathJS, उसका यूज करके इक्वेशंस टाइप किए जाते हैं, फिर उस टाइप का इमेज लेकर हम कहीं ग्राफिक में इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे दिए हुए सर तीन आए मैथमेटिकल इक्वेशंस से, तो आपको ये एड ऑन करके देखेंगे, इसको इंस्टॉल दीप्ति को भी दे देंगे, तो आई होप कि मेरे ख्याल से हो जाएगा। वो एड ऑन करा ठीक है, अब सर उसके बाद मुझे करना देखना पड़ेगा क्योंकि मुझे वो एक्सप्रेशन याद नहीं होगा। तो अभी एड ऑन ये हो गया है, ठीक है डन हो गया है। अब मुझे करके देखना पड़ेगा कोई एक्सप्रेशन आप बताएंगे तो कुछ, मतलब आई डोंट नो एक्सप्रेशन अभी कुछ होगा वो, तो आप इसको ट्राई करिए। मैंने एड ऑन कर लिया है, तो आप ऐसे गूगल ड्राइव में रखकर फिर एड ऑन करके फिर टाइपिंग करिए, तो होपफुली फिर हो जाएगा जैसा सर भी सजेस्ट कर रहे हैं। ओके ओके थैंक यू। थैंक यू मैम। एक बार फिर से ऐड ऑन करने का प्रोसेस एक बार फिर से बता दीजिए मैम। सर ऐड ऑन करने के लिए आप इस पे जाएंगे एक्सटेंशंस में, देन ऐड ऑन्स में जाएंगे गेट ऐड ऑन्स। तो जो भी ऐड ऑन एक तरीके से आपको एक ऐप मिलती है, जैसे आपके फोन में आप कुछ भी, या जब हम बोलते हैं ना अपना फॉन्ट, हिंदी की जब भी हम बात कर रहे थे, तो उसी तरीके से कुछ स्पेशल चीजों के लिए
एड ऑन की फैसिलिटी है, ना कि इस फॉन्ट के लिए, और भी कई चीजों के लिए जो आपको आपकी स्लाइड्स में आपके गूगल ड्राइव में वो ऐड हो जाती है, उसके थ्रू फिर आप वो चीजें कर पाते हैं। तो मैंने एड ऑन पे मैथमेटिकल इक्वेशन करा था और मुझे तीन टाइप के एड ऑन मिले थे। ये एक्सटेंशन होती है, फाइल एक्सटेंशन, जो आपकी सपोर्टिंग फाइल्स होती हैं कोई भी नई नए काम को करने के लिए आपकी गूगल स्लाइड में, गूगल ड्राइव पे। बस जो भी करना हो आपको, आप सेलेक्ट करेंगे और उसको फिर इंस्टॉल कर लेंगे। इंग्लिश हिंदी। और ये आपका फिर गूगल की सारी एप्स पे फिर वो काम करता है सर। गूगल डॉक पे भी काम करेगा, स्लाइड पे भी, सब पे। यहाँ पे दिखेगा कहाँ पे मैम? स्लाइड शो में, स्लाइड में? नहीं, स्लाइड में तो नहीं दिख रहा, टाइप करने से आएगा। और कोई एक्सप्रेशन टाइप करें या तो आई डोंट नो अभी। I think this can be tested, क्योंकि add on अगर add हो जाएगा तो once you start working, you will find help button also, जो थोड़ी बहुत आपको guidance उससे मिल जाएगी। आप इस पे एक बार सभी काम कर लें, अगर फिर भी दिक्कत आती है then we can resolve it together, so that क्योंकि अगर एक एक subject के एक formula को हम डाल के देखेंगे, एक overall method हमें समझ में आ गया है। I think we can explore it ourselves as a teachers, so that we know our requirements. जी मैम, बिल्कुल। मैम, हम लोग भी कह सकते हैं कि Microsoft Office के अंतर्गत जो Word file है, वहाँ भी हमको equation का तो option direct मिल जाता है, copy करके यहाँ डाल सकते हैं। वो तो सर हाँ, कोई भी आपकी Word file में कोई भी है वो चीज, even अब तो ये हो गया कि अगर आपने देखा हो, आप अपनी कोई भी file जो Word, PowerPoint या Excel होती है, जब भी आप उस फाइल को अपलोड करते हैं अपनी गूगल ड्राइव पे, सपोज ये मेरा अगर कोई भी वर्ड फाइल है, ठीक है, मैंने जब इसे अपलोड किया है तो अपलोडिंग के बाद वो ऑप्शन पूछते हैं आपको वो वर्ड फाइल की तरह ही खोलनी है या गूगल डॉक की तरह खोलनी है। तो आप उसे किसी प्रेजेंटेशन में है तो गूगल प्रेजेंटेशन, गूगल स्लाइड के थ्रू ओपन करेंगे तो उसमें उस फॉर्मेट में भी ओपन हो जाएगी। थैंक यू दीप्ति मैम, मुझे बीच में इंटरवीन करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग ऑलरेडी टाइम एक्सीड कर चुके हैं बहुत ज्यादा। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी टीचर्स से, बहुत ही मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने सवाल बिल्कुल लॉजिकल और यूजफुल सवाल आप लोग पूछ रहे हैं, पर मैं रिक्वेस्ट ये करूंगी कि एक बार आप खुद अब जितने स्टेप्स मैम ने बताए हैं उसके बेसिस पे अगर आप ट्राई करेंगे तो बहुत सारे स्टेप्स ऐसे हैं जो हम खुद रिजॉल्व कर पाएंगे। जैसे एक दो सवाल थे कि कलर को कैसे करना है, फॉर्मेटिंग को कैसे करना है, सारी स्लाइड एक जैसी कैसे करें, तो ये सब बेसिक हैं। हम लोग एक टेम्पलेट चूज करेंगे तो ओवरऑल फॉर्मेटिंग एक जैसी रहती है, पर कुछ चीजें हम खुद भी डिसाइड करके कर सकते हैं, खुद भी अपनी प्लेन टेम्पलेट ब्लैंक शीट पे भी हम अपना टेम्पलेट खुद क्रिएट कर सकते हैं। सो आप लोग एक्सप्लोर करें और एक एक इन्फोग्राफिक, जो भी टूल आपको सबसे अप्रोप्रिएट लग रहा है उसके माध्यम से एक एक इन्फोग्राफिक बनाएं, सो दैट आपके असाइनमेंट के तौर पे आप उसे बाद में सबमिट कर सकें। दीप्ति मैम, आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर्मली फॉर दिस वंडरफुल सेशन। यू हैव गिवन सो मच एलैबोरेटेड व्यू ऑन इन्फोग्राफिक्स टू ऑल ऑफ अस यूजिंग नॉट जस्ट वन टूल, मे बी 3-4 टूल्स टुगेदर। आई ऑल्सो गॉट एंगेज in the session that I think I was about to ask a few questions, then I thought I'll maybe explore it myself and then ask you. It was really a wonderful session. Thank you so much. Thank you, thank you. Aur sabka thank you. Aur sabne bahut acche se participate kiya and lot of questions are there, to mujhe bhi kuch nayi cheeze explore karne ka mauka milega. Thank you very much, ma'am. Thank you. आप सभी participants से request है कि attendance sheet close होने वाली है आज की, सब लोग carefully attendance लगा लें, और जिन्होंने कल अटेंडेंस नहीं लगाई थी वो अटेंडेंस शीट क्लोज हो चुकी है, उस पर अब नहीं लग पाएगी। हमने जूम के स्क्रीनशॉट लिए थे कल, अगर उसमें आप प्रेजेंट दिखे तो आपकी प्रेजेंट लगा दी जाएगी, पर अगर आपका नाम नहीं होगा जूम में प्रॉपरली तो देन इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू सी। तो बी वेरी केयरफुल व्हेन वी पोस्ट अटेंडेंस शीट, वंस वी डेफिनेटली अनाउंस ऑल्सो एंड वंस वी पोस्ट इट ऑन व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो, ओनली द इन्फॉर्मेशन नॉट द लिंक। लिंक इज फॉर जूम। So please mark your attendance if you have missed it. For yesterday's attendance, we will try to locate it, locate your name from the Zoom names. But it is up to you that if you have renamed yourself carefully, because I have seen today also
A few participants have still not named themselves. One is calling himself as administrator. I don't know who administrator is. So please rename yourself with correct name so that we can mark. If required, we can check your attendance from Zoom. But the preference is Google Forms. But for the first day, we are giving you the liberty. Who have missed, we will check the Zoom meeting links. Rest, please mark your attendance carefully. And now we'll break for 15 minutes. And we will be back at 11:40 for the next session, which is... Hello, ma'am. When we have to submit templates now? Huh? You told us to make a templates, no? Or presentation. Canva.com, I'm saying. Ma'am, you keep working. You keep your assignments ready. We will share Google Form with you on Thursday. I have announced also earlier. Okay, you can submit there. Right, ma'am? Okay. Yes. Okay. Hello, madam. Okay. Yes, hello, madam. Yes. Rest all can go for the tea. Hello, madam. I mean, for break for 15 minutes, 11:40, we will join the session back. Yes, sir. Hello, yes. Ma'am. Hello. Kiranji, kaun thi pehle? Haan, main repeat karna chahta hu. Form, Google Form ki link hai na, wo fir ek bar aap chat mein dalenge to bahut acha hoga. Kya session bahut acha chal raha tha, isliye us pe dhyan hi nahi gaya. सर दोनों चीजें पैरेलल ही देखनी पड़ती है मैं अटेंडेंस लिंक अभी पोस्ट कर देती हूँ 5 मिनट और खुला रखेंगे फिर क्लोज कर दिया जाएगा मैम यस हेलो मोनिका मैम यस यस जो कल सर्टिफिकेट वाली थी वो तो नहीं खुल रहा मैम खुलेगा सर मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगी ग्रुप पे जो हमारे पुराने एसआरजी के एक पार्टिसिपेंट ने बनाया है आप उसको फॉलो करिएगा आपके स्टेप्स तो आपको हेल्प मिलेगी मैं अभी व्हाट्सएप पे पोस्ट कर रही हूँ हेलो हाँ जी जी मैम मैंने OER वाला कोर्स किया बट 60% से ज्यादा नहीं जा रहा तो क्या उसमें सर्टिफिकेट का कोई है क्या उसमें क्राइटेरिया सर 80% से नीचे कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा आपको वापस पढ़ना पड़ेगा उसको यही उसकी खास बात है ओके मैम मेहनत लगेगी सर आपकी हां जी मैम मैंने सर्टिफिकेट पाया था 2 साल पहले ये एप्लीकेबल है हां अगर आपने किया है और आपके पास सर्टिफिकेट है केबल है अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो दोबारा करना पड़ेगा ओके सर्टिफिकेट है मैम थैंक यू जी ठीक है मैडम एक जस्ट वन क्वेश्चन मैडम द यस्टरडे पावर प्रेजेंटेशन सर मैम वी हैव नॉट गॉट दैट आई विल शेयर डोंट वरी सर आई विल शेयर मैम आपका जो सेशन चल रहा है उसका कोई वीडियो रिकॉर्डिंग हमें मिलेगा ना मैम मैंने कल अनाउंस किया